दुश्तान रोएगा, खून के आंसू रोएगा। There will be a civil war. हेलो समीर नरगिस. मुझे वापस घर आना है, समीत. छोड़ो! नरगिस. मैं रहूं या ना रहूं. एक ही आदमी है. नहीं। नहीं। Zubin, are you ready ready. to kill bad guys? I was born yeah. जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है करण सिंह सर आदमी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। एक फॉरेन कंट्री है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है आपके आने में तो पाँच छह दिन की तो बात है अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला ये देश कभी माफ नहीं करेगा हम ठीक तो हो जाएंगे ना मैं हूँ ना तुम्हें तो कुछ नहीं होने दूंगा क्यों तुम डॉक्टर की जगह ऑपरेशन करने वाले हो ना बैड आइडिया की मौत मेरे हाथों निश्चित है जंगली जानवर कोई और मनाएगा तुम्हारी टीम में इंडिया से होंगी भावना रेड्डी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मलिका सूर मतलब इंडिया ने भेज दिया एक और हीरो टाइप एजेंट सिंक्रोनाइज थ्री टू वन हमारे यहाँ का हर सिपाही हीरो लगता है काफी जज्बाती हो <laughs> सिर्फ भारतवादी क्या डायलॉग मारे सीटी निकल गया खतरनाक लोग हैं ये दो आंखें और आवाज के अलावा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते इससे पहले कि वो हमें ढूंढ लें उन ऑफिसर्स को ढूंढो और खत्म कर दो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तेरे ही देश के बदनसीब मुसलमान तेरे ही देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे मेरा नाम फैज़ है। इस वक्त तुम पुलिस की नजरों में एक मुजरिम इस मुल्क का मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है और उसे लड़ना भी चाहिए पर वो कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता ये मेरा यकीन है सला हम तुमको मुगैम्बा समझ रहे थे तीन घंटों में मैं यहां से निकलूंगा सही सलामत एंड यू काट टू सेट अबाउट इट मीर विक्रम पत्रकार कारगिल नेक्स्ट करण सिंह टोगरा लंदन फिल्मी पर्दे पर आतंकवाद जैसे विषय को काफी बनाया जा चुका है इसके बावजूद भी फिल्मकारों की आसक्ति इस विषय पर बनी हुई है आशिक बनाए आपने फेम निर्देशक आदित्य दत्त भी आतंकवाद के कायस करने नहीं चुके यह सच है कि उन्होंने विषय के मुताबिक भित्तिJamwal जैसे एक्शन में परंपरागत जैसे चपल हीरो को चुना देशभक्ति का स्ट्रांग ट्रैक रखा और साथ ही हिंदू मुस्लिम बगावत भी मगर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सिवाय रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के कोई भी नयापन फिल्म में नज़र नहीं आता भारत सरकार को जब पता चलता है कि देश पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की साजिश होने जा रही है तो अपने नंबर वन कमांडो करण सिंह डोगरा यानी विद्युत जामौल को बुलावा भेजते हैं करण सिंह डोगरा भी सिर पर कफन बांधकर तय कर लेता है कि इस किसी भी हाल में इस हमले के पीछे लगे हुए मास्टरमाइंड को निस्तान भूत करेगा असल में आतंकवाद का सरगना बराक अंसार यानी गुलशन देवैया लंदन में बैठकर वीडियो टेप के जरिए धर्म का सहारा लेकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है इस मिशन पर करण के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को भी नियुक्त किया गया है इस मिशन में उनके साथ जुड़ते हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सूद यानी अंगिराधार और अरमान यानी सुमित ठाकुर मगर बुराक को पकड़ना इतना आसान नहीं है इंडियन इंटेलिजेंस और कमांडोज से सुसज्जित यह टीम अगर सह देने पर आमदा है तो बुराक अंसारी भी मात देने की तैयारी किए बैठा है आमतौर पर फिल्मकार जब एक्शन के ताम झाम से सजी फिल्म बनाते हैं तो उनके एक्शन का डोज तो तगड़ा होता है मगर कहीं ना कहीं तो वे कहानी को उपेक्षित कर देते हैं निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो की फ्रेंचाइजी होने के नाते यह स्वाभाविक भी है मगर वे कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फिल्म का क्लेवर कुछ और होता कुछ दृश्य अतार्किक लगते हैं मगर फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है एक्शन की कोरियोग्राफी सांसें रोक देती हैं नायक एंट्री कमाल की है एक्शन के मामले में एक्शन डायरेक्टर एंडी लॉग स्टंट आलन जनी जामीन और रवि वर्मा ने काबिल तारीफ काम किया है एक्शन फिल्म में संगीत को ज़बरदस्ती ना ठोस कर उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है कुछ दृश्यों में बी की कमजोरियां झलक जाती हैं क्लाइमैक्स में संदेश देना नहीं भूले हैं विद्युत फिल्म की जान बन पड़े हैं सर्वदित की एक्शन में उनकी तूती बोलती है और उन्होंने अपनी इस खूबी को कहीं भी फीका नहीं पड़ने दिया है उनकी एक्शन में विश्वसनीयता झलकती है उनकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के कारण उनका एक्शन विशिष्ट शैली का बन जाता है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़त यादगार सीन बन पड़ा है संवाद अदायगी भी उनकी सवारी है अदा शर्मा फिल्म में सरप्राइज करती हैं नकली दुल्हन बनकर एंट्री करने वाला सीन मज़ेदार बन पड़ा है हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी लहजा मज़ेदार है अंगीरा धार ने रोल के मुताबिक काम किया है पर्दे पर नायिकाओं को एक्शन करते देखना भला लगा है बुरा अंसारी के रूप में गुलशन क्रूर और कुर्दात लगे हैं विद्युत जामुआल अदा शर्मा अंगीराधर राजेश तैलंग सुमित ठाकुर स्टारर फिल्म कमांडो थ्री उन्नीस उनतीस नवम्बर को पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है आदित्य इससे पहले फिल्म आशिक बनाया आपने और टेबल नंबर ट्वेंटी डायरेक्ट कर चुके हैं देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है बता दें कि यह फिल्म कमांडो का तीसरा भाग है ऐसे में फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं वही गुलशन दवैया कमांडो थ्री में बिलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं कमांडो थ्री की कहानी शुरू सुरु की शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुंडों से लड़ता है यह कमांडो कोई और नहीं बल्कि करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल है फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच सामंजस्य हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र को एक खूंखार आतंकवादी से बचाने के बारे में है कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकी संगठन के लीडर का पीछा करता है ये आतंकी संगठन का लीडर जो कई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करलवीर सिंह यानी विद्युत जामाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को चुनती है फिल्म में करणबीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सोदयानी अंगिराधर और अरमान यानी सुमिता ठाकुर से बनाते हैं यहां से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणबीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणबीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने पूरी कोशिश करती है अब उन्हें सफलता मिलती है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक राजनीतिक और वैश्विक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं एक्शन से भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टंट देखने को मिलेगा फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखे हैं एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन भले ही लोगों को कच्चे नजर आए लेकिन एक्शन मामले में दर्शकों का दिल जीतते नजर नजर आएंगे। भावना रेड्डी ने शर्मा अपने अपने किरदार के के किया है। बात करें रोल में की तो पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार आए हैं। है हाव-भाव से ना सिर्फ लोगों को बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींचते दिखाई देंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त जिन्होंने जैसी फिल्मों को बनाया है उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है लेकिन आदित्य ने कुछ सीन्स को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है कह सकते हैं कि उन्होंने एक्शन सीन के साथ कमाल करने की कोशिश की है स्क्रीन प्ले आकर्षक है लेकिन इसकी कहानी साधारण है फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफ़ी दिलचस्प नजर आएगा जिसमें बेहद रोमांचक सीन और एक्शन सीन होंगे फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आएगी खास बात है कि इसकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी फिल्म में सीन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार हैं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर मार्क हेलिमटन है ने बेहतरीन काम किया है वही कई दृश्य एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को जोश से भर देगा कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शकों को ज्यादा देर तक सिनेमा हाल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है कमांडो मध्यम बजट में बनाई जाने वाली एक्शन फिल्म की सीरीज है जिसमें विद्युत जामवाल वही करते हैं जो सलमान खान टाइगर सीरीज में और टाइगर श्राफ बागी सीरीज में करते हैं कमांडो थ्री में विद्युत देश को सलमान की तरह बचाते हैं और टाइगर की तरह गुंडों की धुनाई करते हैं कमांडो और कमांडो टू को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता मिली थी और इसी से उत्साहित होकर इस सीरीज का तीसरा भाग बनाया गया है फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें तीन लड़कों को उनके फर्जी पासपोर्ट के आधार पर ए ने पकड़ा है कड़ी पूछताछ के बाद सिर्फ एक रहसमय आदमी के बारे में ही पता चला सका जिसने इन तीनों लड़कों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भर दिया है पुलिस के हाथ अहम सुराग ये लगता है कि भारत पर बड़े हमले की साजिश हो रही है और यह रहस्यमय व्यक्ति लंदन में सारा काम करता है उसे पकड़ने का जिम्मा करल सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल को दिया गया है करल की मदद करते हैं भारत में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा और ब्रिटिश इंटेलिजेंस मल्लिका सोद और अरमान अख्तर लंदन जाकर करड़ को पता चलता है कि भारत पर हमले का काउंट शुरू हो गया है क्या हमारा कमांडो मिस्ट्री मैन की पहचान का खुलासा कर पाएगा कैसे वे देश को बचा पाएगा इन सवालों के जवाब इस फिल्म में थ्रिल और एक्शन के साथ दिए गए हैं फिल्म पहले हाफ इसलिए अच्छी लगती है कि जो उम्मीद आप इस तरह की फिल्मों से करते हैं वो पूरी तरह से करती है लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म अपनी चमक खो देती है क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा फिल्मी होने से निराश करता है क्या बात को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका लेखक और निर्देशक को नहीं मिला फिल्म में देश प्रेम को दिखाने की कोशिश बार बार की गई है जो कि अखड़ती है बिना सिचुएशन के यह सब ठीक नहीं लगता और समझ में आता है कि बात थोपी जा रही है आदित्य दत्त ने ज्यादा दर्शकों को खुश करने के लिए ऐसे सीन भी रखे हैं जो फिल्म के मोड के अनुरूप नहीं हैं। मिसाल के तौर पर विद्या जामवाल का एंट्री सीन हीरो का बिलन तक पहुंचने का सफ़र बहुत मजेदार नहीं है हीरो सब कुछ आसानी से कर लेता है इसलिए थ्रिल पैदा नहीं होता और ना ही हरोगिरी नज़र आती है यदि हीरो की राह थोड़ी मुश्किल बनाई जाती तो फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती बिलन फिल्म की कमजोर कड़ी है गुलचंद दवैया एक बेहतरीन अभिनेता है लेकिन यहाँ वह मिसफिट लगे हैं उन्होंने अपने आप को ताकतवर और क्रूध दिखाने की भरकस कोशिश की है और एक्टिंग की लेकिन कामयाब नहीं हो सके बिलन भारत पर क्यों हमला करना चाहता है क्यों उसके अंदर नफरती भरी नफरत भरी है यह बात भी कहानी में बताई नहीं गई है अदा शर्मा को ज़्यादा मौका नहीं मिला लेकिन लेकिन वह यह देखने में सफल रही कि वह स्टंट अच्छे से कर लेती हैं ज्यादा गाने नहीं रखकर निर्देशक ने दर्शकों पर उपकार किया है कमियों के बावजूद फिल्म दर्शकों की रुचि बनाए रखती है तो इसका श्रेय कुछ टर्न्स और ट्विस्ट बिदुजामॉल के शानदार स्टंट कुछ बढ़िया पीछा करने वाले दृश्यों को जाता है ज्यादा उम्मीद से नहीं देखी जाए तो फिल्म पसंद आ सकती है कमांडो टू के बाद फिल्म निर्माता बिपुल अमरस, अमरत अमृत लाल शाह कमांडो थ्री लेकर आए हैं फिल्म की कहानी धर्म के नाम पर छिड़े आतंकवाद पर आधारित है कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को खत्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमले का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है फिल्म के लीड के अभिनेता विद्यु जामौल का कहना है कि हम साथ साथ हैं इसलिए खास हैं नब्बे करोड़ हिंदू और बाईस करोड़ मुसलमान हैं इस देश में अगर साथ नहीं होते तो ये देश ख़ास नहीं होता बचपन में कहानी सुनते थे कि पांच उंगली मिल जाए तो मुट्ठी बनती है और फिर आती है ताकत कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे हम नहीं टूटेंगे ये मेरा विश्वास है मेरा ख़ास भारत क्योंकि हम साथ हैं जय हिंद फिल्म में उनकी ये बातें कमांडो थ्री का हिस्सा हैं फिल्म का थीम भी सभी धर्मों से सामंजस्य स्थापित करता है गुलशन दवैया फिल्म में आतंकी बुराक अंसारी बने हैं जो लंदन में बैठे बैठे वीडियोस के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेनवाश करता है इस तरह से बुराक अंसारी देश के युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल करने में कामयाबी हर कर लेता है देश के लिए यही युवा ख़तरा बन जाते हैं और मासूम लोगों पर हमला का साया मड़्राता है फिल्म के निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो के फ्रेंचाइजी होने के नाते ऐसा होना लाजमी भी है लेकिन वह हर कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फ़िल्म का क्लाइमैक्स कुछ और ही होता फिल्म के कुछ दृश्यों का कोई लॉजिक ही नहीं लेकिन तकनीकी मज़बूत है फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर अदा शर्मा ने कहा कमांडो जो कि भारत में एक्शन फिल्मों की एक बड़ी फ्रेंचाइजी है उसका हिस्सा बनकर मैं काफ़ी रोमांचित हूँ इसमें दिखाए गए एक्शन दृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जिसे भारतीय दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कमांडो थ्री की अभिनेत्री अदा शर्मा तीसरी बार एक्शन सिक्वेंस में थ्रिल के साथ चुलबुले अंदाज में दिख रही हैं उनका कहना है कि यह एक्शन फ्रेंचाइजी की बड़ी फिल्म है आगामी फिल्म कमांडो थ्री में अदा शर्मा और अंगीराधर महिलाओं को को किस तरह व्यवहार करना चाहिए इस पुराने तोड़ रही है कमांडो थ्री में मार्क हैमिल्टन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है वही बैकग्राउंड संगीत एक्शन सीन में भी दर्शकों को इंप्रेस कर देते हैं फिल्म क्लाइमैक्स में एक पॉजिटिव मैसेज देती है जिसे आप पसंद करेंगे फिल्म में थ्रिलर एक्शन के अलावा लोकेशन भी शानदार है एक्शन में माहिर विद्युत अपने काफ़ी सीरियस हावभाव में दिखाई देंगे बजाय किसी रोमांटिक पर्सन के अदा शर्मा अपनी नादानियां करते जरूर नजर आई हैं जिसमें फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है कमांडो थ्री अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए गुलशन ने कहा इस प्रक्रिया में गुजरना मेरे सह कलाकारों के साथ नए रचनात्मक तरीकों की कोशिश करना मजेदार रहा मैंने विद्युत समेत उनमें से कई लोगों के साथ काम किया है गुलशन ने यह भी साझा किया कि निर्देशक आदित्य दत्त ने उन्हें अपने तरीके से भूमिका निभाने की आज़ादी भी दी थी विद्युत जामवाल अभिनीत कमांडो की तीसरी फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे अभिनेता गुलशन दवैया का मानना है कि दर्शकों को हमेशा चौंकाते रहना चाहिए चालीस वर्षीय स्टारर अभिनेता ने कहा कमांडो थ्री जैसी फ्रेंचाइजी से कुछ उम्मीदें हैं चैतान और हेट स्टोरी में नकारात्मक भूमिका निभा चुके गुलशन ने कहा दर्शकों की उम्मीदों के अलावा मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ हालांकि फिल्म में उन्होंने अपना हंड्रेड फीसदी दिया है लेकिन दर्शक उन्हें इससे हटकर देखना चाहते हैं कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को ख़त्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमला का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है हालांकि इससे पहले आए दो कमांडो और कमांडो तो में भी यही मुद्दे दिखाए जा चुके हैं फिल्म में लीड रोल कर रहे अभिनेता बिद्यु जामवाल कमांडो बने हैं इसके अलावा अदा शर्मा इस फिल्म में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी की भूमिका निभा रही हैं विद्युत का कहना है कि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म का संतोषजनक है और मैं ट्रेलर की तरह ही दर्शकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा हूं। पहली फिल्म प्यार के लिए लड़ाई और अगली कड़ी में भारत के काले धन के रैकेट का पर्दाफाश करने की अपनी खोज के बाद तीसरी फिल्म में विद्युत का किरदार राष्ट्र को एक साथ लाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता दिखाई देना फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है अभिनेता विद्युत जामवाल फिल्म कमांडो थ्री के ट्रेलर को मिल रही प्रतिक्रिया से अभी हैं उन्होंने कहा कि वह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म से दर्शकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा है फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था जिसे ट्यूब पर काफी अच्छी प्रक्रियाएं मिली थी विद्युत ने प्रतिक्रिया से खुश हूँ विद्युत ने कहा कि मैं प्रतिक्रिया से खुश हूँ एक फ्रेंचाइजी के रूम में कमांडो मेरे बेहद करीब है दर्शक ने मुझे जो प्यार दिया है वह काफ़ी सुखदायक है फिल्म में मिट्टी के पहलवानों के साथ लड़ना हो या मार्शल आर्ट्स विद्युत जामाल सभी जगह ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन दर्शकों इसमें सिर्फ एक्शन में नयापन देखेंगे कि कहानी में कमांडो थ्री की कहानी भले ही कमज़ोर हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफी कमाल की है हीरो भी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म में हर तरह के एक्शन की झलक दिखाई दी गई है आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलते ही केंद्र सरकार सेना के सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा यानी बितू जामवाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को ले को लंदन जाकर आतंकियों को पकड़ने की जिम्मेदारी देते हैं सेना के दोनों जाबाज लंदन जाते हैं और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक

करने के लिए उनकी तलाश और अब आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित यह तीसरी फिल्म देश को एकजुट कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बारे में है इस थ्रिलर में अदा शर्मा अंगिराधर और गुलशन दवैया भी हैं फिल्म ने प्रोड्यूसर पिपुल अमृत लाल शाह ने कहा नवचार आजकल दर्शकों तक पहुंचाने की कुंजी है हमने फिल्म के पांच मिनट लंबे क्लिप को जारी करने के साहसिक कदम को उठाने का फैसला किया है उन्होंने कहा यह एक जुआ है लेकिन हमें यकीन है कि इस क्लिप को देखने के बाद दर्शक फिल्म को देख देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कमांडो 3 के निर्माताओं ने फिल्म से विद्युत जामाल अभिनय फिल्म का एक वीडियो जारी किया था 5 मिनट के वीडियो को लेकर फिल्म के निर्माता विपुल अमरद शाह अमृतलाल शाह का कहना था कि यह एक साहसिक कदम और एक बड़ा जुआ है निर्माताओं ने बुधवार को फिल्म से विद्युत के 5 मिनट लंबे प्रचारत्मक वीडियो का अनावरण किया था कहानी का धागा काफी महीन है एक आतंकवादी भारत में नाइन स्लेस लेबन की तरह घटना को अंजाम देना चाहता है और एक कमांडो कैसे इस घटना को होने से रोकता है बस यही कहानी के भरोसे पूरी फिल्म का निर्माण किया गया है विद्युत जामाल के एक्शन सीन वाकई देखते बनते हैं आज के सबसे बड़े एक्शन स्टार हैं जिस सहजता से वह बड़े से बड़े स्टंट कर गुजरते हैं ऐसा लगता है कि इस तरह के स्टंट हर रोज़ करने के हुए आदि हैं यानी किरदार में विश्वसनीयता जगा ही देते हैं अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्युत जामाल पूरी फिल्म को अपनी एक्शन के सहारे दर्शनीय बना देते हैं अदा शर्मा का कामिक का अंदाज मजेदार है उनके और अंगिरा के एक्शन थे कुल मिलाकर या कहे तो गलत नहीं होगा आदित्य स्क्रीन पर थोड़ा और काम कर लेते स्पेशल इफेक्ट बहुत ही कमजोर है जब कलाकार अच्छे हों प्रोडक्शन ग्रैंड हो रिलीज बेहतर हो तो ऐसे में कहानी में अगर उतार चढ़ाव होते तो मामला बहुत ही बेहतर होता अगर आप एक्शन फिल्मों के हार्डकोर फैन हैं और विद्युत जामवाल के एक्शन आपको लुभाते हैं तो आपको फिल्म देखनी चाहिए विद्युत के एक्शन वाकई देखने लायक हैं फिल्म की सारी कमियां वो अपने एक्शन से ढक लेते हैं साथ ही अंगिरा और अदा के एक्शन भी तड़का लगाने का काम करते हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 से छः साल पहले आर्टिकल 21 पर राजीव खंडेलवाल ने सात फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य दत्त के हिंदी सिनेमा में बोहनी चौदह साल पुरानी है इमरान हाशमी को सुपरस्टार बनाने वाले निर्देशकों में उनकी गिनती भी होती है और गिनती उनकी इस बात के लिए भी होती है कि उन्होंने सनी लियोनी की बायोपिक बनाई आदित्य के पास सिनेमाई समझ का विशाल कैनवास है लेकिन उनके बिजन में दिक्कत वैसी ही है जैसे फिल्म कमांडो थ्री में पहलवानों के लिए सिले गए डिजाइनर लंगोटों में है ओ पर काम करके अपनी असली चमक खो चुके और एक्टिंग के शिकार गुलशन दवैया और दो दो हीरोइन के बावजूद एक भी गाने पर अपने रुमानी एहसास न दिखाने वाले विद्युत जामवाल फिल्म कमांडो थ्री के दो विरोधी सिरे हैं पहला ऐसा आतंकवादी बना है जिसे अपने मासूम बच्चे को लाइव मर्डर दिखाने में सुख मिलता है दूसरा ऐसा देशभक्त बना है जिसके आगे अयोध्या मसले में समझौता फार्मूला निकालने की कोशिश में लग रहे श्री श्री रविशंकर भी फेल हैं। भारत में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेन सेंटर जैसी तबाही मचाने की तैयारी में लगे आतंकवादी बुराक अंसारी को पकड़ने का यह मिशन लंदन की पृष्ठभूमि में है विद्युत जामवाल नई सदी के सनी देवल हैं उनका हाथ ढाई किलो से कहीं ज़्यादा वजनी है उनके एक्शन के सेट पैटर्न हैं कार की खिड़की के बीच से निकल जाना या हवा में कला मारकर दुश्मन को चित कर देना ये सब कमांडो की पिछली फिल्मों की तरह ही है लेकिन फिल्म का पैसा वसूल सीन है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़ंत है पूरा एक्शन सीन विद्युत ने खुद किया है और इस सीन से नज़र हटा पाना मुश्किल है विद्युत ने अपने एक्शन को इस फिल्म में काफ़ी निखारा है संवाद अदायगी भी पिछली फिल्मों से बेहतर है उनकी पर्दे पर मौजूदगी कहानी के विस्तार में कमी को भुला देती है कमांडो थ्री की कहानी दूसरे पैराग्राम में आप पढ़ ही चुके हैं और पटकथा भी इस फिल्म की बस उतनी ही है बस हर लाइन के बाद पाँच मिनट का एक्शन सीन जोड़ते जाइए और दो घंटे और तेरह मिनट की फिल्म तैयार आदित्य दत्त ने आशिक बनाए आपने जैसे म्यूजिकल फिल्म से अपना करियर शुरू किया था और एक बिल्कुल नॉन म्यूजिक फिल्म बनाने की इस कोशिश में चौंकाया है हाँ अगर पटकथा थोड़ी चुस्त और किरदारों की थोड़ी सी सही पर तार्किक पृष्ठभूमि बताती चलती तो फिल्म और असरदार हो सकती थी हिंदू मुस्लिम एकता का राग भी अगर पंचम स्वर के बजाय थोड़ा हल्के में गाया जाता तो फिल्म बेहतर बनती फिल्म तकनीकी पक्ष में काफ़ी कमज़ोर है मार्क हैमिल्टन ने फिल्म किस कैमरे पर शूट की है ये तो वही जाने लेकिन जूहू पीवीआर के बड़े पर्दे पर देखते समय फिल्म ख़राब लगती है फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत सतही किस्म के हैं डोगरा का बुरा कंसारी को हेलीकॉप्टर से लेकर निकलना और पानी के जहाज तक पहुंचाने वाला पूरा सीन स्पेशल इफेक्ट से रचा गया है और इस पूरे सीक्वेंस में विजुअल इफेक्ट की सारी कमजोरी जा, जाहिर हो जाती है विद्या जामाल के बाद अगर ये फिल्म किसी कलाकार ने संभाली है तो वह है इसकी हीरोइन अदा शर्मा जैसे बिद्यु जामवाल की फिल्म में एंट्री नकली लंगोट वाले पहलवानों की धुनाई से होती है वैसे ही अदा शर्मा नकली दुल्हन बनकर अपने एंट्री सीन में प्रकट होती हैं और पहले सीन से ही रंग जमा देती हैं हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी अंदाज फिल्म की कॉमिक रहता है काम अंगीरा धर ने भी बढ़िया किया है दोनों हीरोइनों को आदित्य ने कुछ अच्छे एक्शन सीन भी दिए हैं खाली वक्त तो कुछ खास करने को ना हो तो फिल्म कमांडो थ्री देखकर टाइम पास किया जा सकता है विद्युत जामवाल ने मौत को मात देने वाले स्टंट सीन देकर अपनी फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई है और उनकी फिल्में उनके एक्शन को लेकर खास तौर पर जानी जाती हैं कमांडो फ्रेंचाइजी ऐसी ही फिल्म में से एक है और अब इस एक एक्शन थ्रिलर फिल्म को तीसरा पार्ट कमांडो थ्री उस हफ्ते रिलीज हुआ था तो क्या विद्युत जामौल एक बार फिर एक एक्शन हीरो बनकर कमांडो थ्री के साथ दर्शकों का मनोरंजन किए थे या अपने प्रयास में विफल हुए थे आइए जानते हैं कमांडो थ्री एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की कहानी है जो अपने देश को बचाने के लिए समय से लड़ता है मुंबई में दो युवा बच्चों उस्मान और उमर को उनके गुरु सुभान के साथ एक टिप आप के बाद गिरफ्तार किया जाता है गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि उस्मान और उमर का असली नाम क्रमशाह राकेश और अमित था और उनका बराक अंसारी यानी गुलसंद दवैया के उत्तेजक प्रचार वीडियो को देखने के बाद इस्लाम में धर्मांतरण किया बराक इस वीडियो में मुँह कवर किया हुआ है जिससे इसमें इसके होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए भारतीय उसे पहचान पाने में समय आ रहा है क्योंकि का समय आ रहा है वरिष्ठ खुफिया अधिकारी राय यानी राजेश तैलंग अपने सबसे विश्वसनीय और बहादुर अधिकारी करणबीर सिंह डोगरा विदॉल से इस मामले को संभालने के लिए कहता है करणबीर को पता चलता है कि उस्मान उमर और सुबहान के घर में पाए गए वीडियो और करेंसी नोट का सोर्स लंदन से है इसी बीस राय को इस बात का एहसास होता है कि सुबहान ने नाइन इश्लेस लेबन हमले के हमले के बारे में बार बार बात की और इसका मतलब है कि भारत में हमला नाइन नवंबर या नाइन इशलैस लेबन को होगा और संयोग से यह दिवाली का दिन है दिवाली में सिर्फ तैंतीस दिन बाकी हैं करणबीर को तुरंत बराक को ट्रैक करने के लिए लंदन भेजा जाता है उसे इस मिशन में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा की मदद मिलती है जो अब भ्रष्ट नहीं हैं लेकिन फिर भी करणबीर से प्यार करती हैं लंदन में उन्हें दो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंटों मल्लिका सोद यानी अंगिराधर और अरमान अख्तर यानी सुमिता ठाकुर द्वारा स्थानीय सहायता प्रदान की जाती है बहुत सारे संदिग्धों से सावधानी पूर्वक पूछताछ करने के बाद आखिरकार ऐसा कोई मिलता है जिसे बराक की पहचान का पता लगाने का मौका मिलता है और पता चलता है कि वह एक रेस्तरा चलाता है इतना ही नहीं उन्हें यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी जाहिरा यानी फिरना वाजिर से उसका तालाक हो चुका है और वह अपने बेटे अबीर यानी आर्थो विश्वकर्मा से बेहद प्यार करती है करणबीर उसके बेटे को जाहिरा के साथ अपने खास रख लेता है जो बराक की गतिविधियों से अवगत है और इसलिए गवाह बनने के लिए सहमत है जब बराक को इस बारे में पता चलता है तो वह भारत पर हमला करने का प्लान बन, पहले बनाने का फैसला करता है और बाद में आगे क्या होता है यह बाकी फिल्म में आगे ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है डीरियसारमिल और जुनेद वासी की कहानी क्लिंच और साधारण है लेकिन डेरियस डेरियसारमिल और जुनेद वासी की पटकथा ऐसी है जिसके चरित्र चित्रण ट्विस्ट और मोड़ आदि के संदर्भ में कुछ नयापन लाते हैं जो फिल्म में रुचि को बनाए रखता है हालांकि बेहतर प्रभाव के लिए इसे शुरू से अंत तक लगाकर मनोरंजक होना चाहिए था डेरियस डेरियसारमिल और जुनेद वासी के डायलॉग खराब हैं इस तरह की फिल्म में वन लाइनर्स होने चाहिए जो आदर्श रूप से एक पंच पैक होना चाहिए अफसोस की बात है कि डायलॉग सख्ती से ठीक हैं और जगहों पर काफी खराब हैं आदित्य दत्त का निर्देशन साफ सुथरा है और वह इसे इतनी अच्छी तरह से संभालते हैं कि लोग आनंद ले सकें और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात होगी कि जो चल रहा है उसे समझ सके कुछ दृश्यों को चतुराई से संभाला जाता है जिस क्रम में करलबीर और उनके साथी बराक को नीचे देख रहे हैं जबकि समांतर क्रम में बराक करलबीर का शिकार कर रहा है बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है रोमांटिक ट्रैक बामुश्किल नज़र आता है और यह ठीक है क्योंकि यहाँ बिना समय गवाह कहानी पर फोकस किया जाता है ठीक इसके विपरीत शुरुआत के हिस्से दिलचस्प नहीं हैं और यहाँ तक कि सेकंड हाफ में फिल्म को ऊपर उठने में काफ़ी वक्त लगता है फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें पचा पाना असंभव है अंत तक कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं बराक के बैक स्टोरी को अंत तक नहीं बताया गया कि आखिर वह इतना खतरनाक आतंकी कैसे बना और हमेशा कैसे खुफिया रडार से बचा यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि बराक ने अपने वीडियो में वास्तव में ऐसा क्या बताया कि युवाओं ने इस हद तक दिमाग लगाया कि कुछ हिंदू इस्लाम की ओर मुड़ गए इसके कुछ स्निपेट दिखाए गए हैं लेकिन इनमें कुछ खास समझ नहीं आता कमांडो थ्री की शुरुआत कुछ खास नहीं होती शुरुआती सीन काफ़ी धीमे और बांधते नहीं हैं विद्युत जमॉल की एंट्री फिल्म में अनावश्यक एक्शन लेकर आती है पूछताछ का सीन अच्छा है लेकिन फिर से फिल्म स्लो हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है फिर फिल्म में दिलचस्पी जागती है करणबीर और उनके साथियों द्वारा बराक को ट्रैक करने का तरीका दिलचस्प है जब बराक एक समाचार चैनल पर करणबीर का वीडियो देख रहा होता है और उसे अचानक झटका लगता है कि यह सीन देखने लायक है इंडरॉल के बाद फिल्म में फिर से फिल्म अपनी रफ्तार खो देती है यह एक सीन हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द डार्क नाइट की याद दिलाता है फिल्म के लास्ट के तीस मिनट काफ़ी मनोरंजक और बांधे रखते हैं सिंगल स्क्रीन के दर्शक इसे सुनिश्चित रूप से पसंद करेंगे क्योंकि मेकर्स ने यह हिंदू मुसलमान एकता पर अच्छा मैसेज दिया है कमांडो थ्री पूरी तरह से विद्युत जामवाल की फिल्म है और इसमें कोई शक नहीं है उनका अभिनय इतना ग्रैंड नहीं है लेकिन वह पूरी फिल्म को अपने कंधे पर खींचने में कामयाब होते हैं और जैसा कि उनके एक्शन अवतार की उम्मीद की जाती है वह इसे यकीनन पूरा करते हैं फिनाले में उनका अभिनय सीटी और का हकदार है अदा शर्मा कमांडो टू के अपने अभिनय को दोहराती हैं जो पसंद करने योग्य है उनका हाथ भाग इस बार दूसरे भाग की तुलना में कम है लेकिन भावना रेड्डी के प्रशंसकों को निराशा नहीं होनी चाहिए अंकिरा धार अपने रोल में जचती हैं दोनों ही अभिनेत्री अपने अपने रोल में जचती हैं गुलशन दवैया बिलन के रूम में डरावने लगते हैं वह अपनी आंखों से काफ़ी कुछ कह जाते हैं यह देखने लायक है उनके ब्रिटिश एक्सेंट के लिए स्पेशल उल्लेख होना चाहिए जिसे उन्होंने बाखु किया है अनिल जॉर्ज यानी मोमिन बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें बार बार एक जैसी भूमिका करते देखना अचंभित करने वाला है उनका किरदार अचानक गायब हो जाता है जो काफ़ी अजीब है राजेश तैलंग भरोसेमंद हैं सुमित ठाकुर के पास एक अच्छी स्क्रीन उपस्थित है फ्रायद वजायर को एक प्यारा किरदार निभाने वाले मिलता है और वह उनके साथ न्याय करते हैं अर्थ विश्वकर्मा अपनी उपस्थित अपने भाव से महसूस करते हैं और वह सुनिश्चित करते हैं कि वह ओवरबोर्ड न जाएं। बिरन सक्सेना जो कि सुभान के पिता हैं और सुभान उमर अमित उस्मान राकेश इंस्पेक्टर तांबे और जैतून की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं फिल्म में संगीत की कोई गुंजाइश नहीं है तेरा बाप आया को पृष्ठभूमि में प्ले किया गया है जो फिल्म में अच्छे से काम करता है मैं और रात हूँ भी बैकग्राउंड बा, भी में प्ले किया जाता है लेकिन उतना ध्यान नहीं खींचता है अखिया मिलवाऊँ का और इरादे का बुलंद फिल्म से गायब है सौरभ भालेराव का बैकग्राउंड स्कोर सुरम्य और प्राण पोषक है मार्क हैमिल्टन की सिनेमाटोग्राफी मनोरम है खासकर एक्शन दृश्यों में एंडी लास्ट स्टंट टीम लिमिटेड एलन अमीन के रवि वर्मा ने एक्शन काफ़ी कट्टर और हिंसक हैं लेकिन विद्युत के एक्शन सीन इसे देखने लायक बनाते हैं जो ही तलमा की का प्रोडक्शन डिजाइन साफ़ सुथरा है संदीप ग्रूप का संपादन कुछ दृश्यों में और कसा हुआ हो सकता है कुल मिलाकर कमांडो थ्री एक्शन सीक्वेंस सोशल मैसेज और कुछ पैसा वसूल सीन के कारण एक अच्छी एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म है फिल्मी पर्दे पर आतंकवाद जैसे विषय को काफ़ी बनाया जा चुका है इसके बावजूद भी फिल्मकारों की आसक्ति इस विषय पर बनी हुई है आशिक बनाए आपने फेम निर्देशक आदित्य दत्त भी आतंकवाद के कैश करने नहीं चुके यह सच है कि उन्होंने विषय के मुताबिक भिद्दु जामवाल जैसे एक्शन में परंपरागत जैसे चपल हीरो को चुना देशभक्ति का स्ट्रांग ट्रैक रखा और साथ ही हिंदू मुस्लिम बगावत भी मगर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सिवाय रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के कोई भी नयापन फिल्म में नजर नहीं आता भारत सरकार को जब पता चलता है कि देश पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की साजिश होने जा रही है तो अपने नंबर वन कमांडो करण सिंह डोगरा यानी विद्युत जामौल को बुलावा भेजते हैं करण सिंह डोगरा भी सिर पर कफन बांधकर तय कर लेता है कि इस किसी भी हाल में इस हमले के पीछे लगे हुए मास्टरमाइंड को निस्तान भूत करेगा असल में आतंकवाद का सरगना बराक अंसार यानी गुलशन देवैया लंदन में बैठकर वीडियो टेप के जरिए धर्म का सहारा लेकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है इस मिशन पर करण के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को भी नियुक्त किया गया है इस मिशन में उनके साथ जुड़ते हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सूद यानी अंगिराधार और अरमान यानी सुमित ठाकुर मगर बुराक को पकड़ना इतना आसान नहीं है इंडियन इंटेलिजेंस और कमांडोज से सुसज्जित यह टीम अगर साथ देने पर आमदा है तो बुराक अंसारी भी मात देने की तैयारी किए बैठा है आमतौर पर फिल्मकार जब एक्शन के ताम झाम से सजी फिल्म बनाते हैं तो उनके एक्शन का डोज तो तगड़ा होता है मगर कहीं ना कहीं तो वे कहानी को उपेक्षित कर देते हैं निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो की फ्रेंचाइजी होने के नाते यह स्वाभाविक भी है मगर वे कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फिल्म का क्लेवर कुछ और होता कुछ दृश्य अतार्किक लगते हैं मगर फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है एक्शन की कोरियोग्राफी सांसें रोक देती हैं नायक की एंट्री कमाल की है एक्शन के मामले में एक्शन डायरेक्टर एंडी लॉग स्टंट आलन जनी जामीन और रवि वर्मा ने काबिल तारीफ काम किया है एक्शन फिल्म में संगीत को ज़बरदस्ती न ठोस कर उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है कुछ दृश्यों में बी की कमजोरियां झलक जाती हैं क्लाइमैक्स में संदेश देना नहीं भूले हैं विद्युत फिल्म की जान बन पड़े हैं सर्वदित की एक्शन में उनकी तूती बोलती है और उन्होंने अपनी इस खूबी को कहीं भी फीका नहीं पड़ने दिया है उनके एक्शन में विश्वसनीयता झलकती है उनकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के कारण उनका एक्शन विशिष्ट शैली का बन जाता है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़त सीन बन पड़ा है, संवाद अदायगी भी उनकी सवारी है अदा शर्मा फिल्म में सरप्राइज करते हैं नकली दुल्हन बनकर एंट्री करने वाला सीन मजेदार बन पड़ा है हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी लहजा मजेदार है अंगीरा धार ने रोल के मुताबिक काम किया है पर्दे पर नायिकाओं को एक्शन करते देखना भला लगा है बुरा के रूम में गुलशन क्रूर और कुरदात लगे हैं विद्युत अदा शर्मा अंगीराधर राजेश तैलंग सुमित ठाकुर स्टारर फिल्म कमांडो थ्री उन्नीस उनतीस नवंबर को पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है आदित्य इससे पहले फिल्म आशिक बनाया आपने और टेबल नंबर ट्वेंटी डायरेक्ट कर चुके हैं देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है बता दें कि यह फिल्म कमांडो का तीसरा भाग है ऐसे में फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं वही गुलशन दवैया कमांडो थ्री में बिलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं कमांडो थ्री की कहानी शुरू की शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुंडों से लड़ता है यह कमांडो कोई और नहीं बल्कि करड़वीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल है फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच सामंजस्य हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र को एक खूंखार आतंकवादी से बचाने के बारे में है कमांडो करड़वीर सिंह डोगरा जो एक आतंकी संगठन के लीडर का पीछा करता है ये आतंकी संगठन का लीडर जो कई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह यानी विद्युत जामाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को चुनती है फिल्म में करणबीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सोदयानी अंगिराधर और अरमान यानी सुमिता ठाकुर से बनाते हैं यहां से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणबीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणबीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने पूरी कोशिश करती है अब उन्हें सफलता मिलती है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक राजनीतिक और वैश्विक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं एक्शन से भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टंट देखने को मिलेगा फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखे हैं एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन भले ही लोगों को कच्चे नज़र आए लेकिन एक्शन मामले में दर्शकों का दिल जीतते नजर आएंगे वही भावना रेड्डी यानी आधा शर्मा ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है बात करें यानी बुरा के रोल में गुलशन दवैया की तो ये पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं वह अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींचते दिखाई देंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आशिक बनाया आपने और सस्पेंस थेबल ट्वेंटी वन जैसी फिल्मों को बनाया है उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है लेकिन आदित्य ने कुछ सीन्स को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है कह सकते हैं कि उन्होंने एक्शन सीन के साथ कमाल करने की कोशिश की है स्क्रीन प्ले आकर्षक है लेकिन इसकी कहानी साधारण है फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफ़ी दिलचस्प नज़र आएगा जिसमें बेहद रोमांचक सीन और एक्शन सीन होंगे फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आएगी खास बात है कि इसकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी फिल्म में सीन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार हैं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर मार्क हेलिमटन है ने बेहतरीन काम किया है वही कई दृश्य एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को जोश से भर देगा कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शकों को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है कमांडो मध्यम बजट में बनाई जाने वाली एक्शन फिल्म की सीरीज है जिसमें विद्युत जामवाल वही करते हैं जो सलमान खान टाइगर सीरीज में और टाइगर शराफ बागी सीरीज में करते हैं कमांडो थ्री में विद्युत देश को सलमान की तरह बचाते हैं और टाइगर की तरह गुंडों की धुनाई करते हैं कमांडो और कमांडो टू को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता मिली थी और इससे से उत्साहित होकर इस सीरीज का तीसरा भाग बनाया गया है फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें तीन लड़कों को उनके फर्जी पासपोर्ट के आधार पर ए ने पकड़ा है कड़ी पूछताछ के बाद सिर्फ एक रहसमी आदमी के बारे में ही पता चला सका जिसने इन तीनों लड़कों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भर दिया है पुलिस के हाथ अहम सुराग ये लगता है कि भारत पर बड़े हमले की साजिश हो रही है और जिम्मा करमौाल को दिया गया है करड़ की मदद करते हैं भारत में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा और ब्रिटिश इंटेलिजेंस मल्लिका सूद और अरमान अख्तर लंदन जाकर करड़ को पता चलता है कि भारत पर हमले का काउंट शुरू हो गया है क्या हमारा कमांडो मिस्ट्री मैन की पहचान का खुलासा कर पाएगा कैसे वे देश को बचा पाएगा इन सवालों के जवाब इस फिल्म में थ्रिल और एक्शन के साथ दिए गए हैं फिल्म पहले हाफ़ इसलिए अच्छी लगती है कि जो उम्मीद आप इस तरह की फिल्मों से करते हैं वो पूरी तरह से करती है लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म अपनी चमक खो देती है क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा फिल्मी होने से निराश करता है क्या बात को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका लेखक और निर्देशक को नहीं मिला फिल्म में देश प्रेम को दिखाने की कोशिश बार बार की गई है जो कि अखलती है बिना सिचुएशन के यह सब ठीक नहीं लगता और समझ में आता है कि बात थोपी जा रही है आदित्य दत्त ने ज़्यादा दर्शकों को खुश करने के लिए ऐसे सीन भी रखे हैं जो फिल्म के मोड के अनुरूप नहीं हैं। मिसाल के तौर पर विद्या जामॉल का एंट्री सीन हीरो का बिलन तक पहुंचने का सफ़र बहुत मजेदार नहीं है हीरो सब कुछ आसानी से कर लेता है इसलिए थ्रिल पैदा नहीं होता और ना ही हीरोगिरी नज़र आती है यदि हीरो की राह थोड़ी मुश्किल बनाई जाती तो फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती बिलन फिल्म की कमजोर कड़ी है गुलशन दवैया एक बेहतरीन अभिनेता है लेकिन यहाँ वह मिसफिट लगे हैं उन्होंने अपने आप को ताकतवर और क्रोध दिखाने की भरकस कोशिश की है और एक्टिंग की लेकिन कामयाब नहीं हो सके बिलन भारत पर क्यों हमला करना चाहता है क्यों उसके अंदर नफरती भरी नफरत भरी है यह बात भी कहानी में बताई नहीं गई है अदा शर्मा को ज़्यादा मौका नहीं मिला लेकिन लेकिन वह यह देखने में सफल रही कि वह स्टंट अच्छे से कर लेती हैं ज्यादा गाने नहीं रखकर निर्देशक ने दर्शकों पर उपकार किया है कमियों के बावजूद फिल्म दर्शकों की रुचि बनाए रखती है तो इसका श्रेय कुछ टर्न्स और ट्विस्ट बिदुजा मॉल के शानदार स्टंट कुछ बढ़िया पीछा करने वाले दृश्यों को जाता है ज्यादा उम्मीद से नहीं देखी जाए तो फिल्म पसंद आ सकती है कमांडो टू के बाद फिल्म निर्माता बिपुल अमरस, अमरत अमृत लाल शाह कमांडो थ्री लेकर आए हैं फिल्म की कहानी धर्म के नाम पर छिड़े आतंकवाद पर आधारित है कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को ख़त्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमले का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है फिल्म के लीड के अभिनेता विद्युज का कहना है कि हम साथ साथ हैं इसलिए खास हैं नब्बे करोड़ हिंदू और बाईस करोड़ मुसलमान हैं इस देश में अगर साथ नहीं होते तो देश खास नहीं होता बचपन में कहानी सुनते थे कि पांच उंगली मिल जाए तो मुट्ठी बनती है और फिर आती है ताकत कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे हम नहीं टूटेंगे ये मेरा विश्वास है मेरा ख़ास भारत क्योंकि हम साथ हैं जय हिंद फिल्म में उनकी ये बातें कमांडो थ्री का हिस्सा हैं फिल्म का थीम भी सभी धर्मों से सामंजस्य स्थापित करता है गुलशन दवैया फिल्म में आतंकी बुराक अंसारी बने हैं जो लंदन में बैठे बैठे वीडियोज़ के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेन वास करता है इस तरह से बुराक अंसारी देश के युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल करने में कामयाबी हर कर लेता है देश के लिए यही युवा ख़तरा बन जाते हैं और मासूम लोगों पर हमला का साया मर्राता है फिल्म के निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो के फ्रेंचाइजी होने के नाते ऐसा होना लाजमी भी है लेकिन वह हर कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फ़िल्म का क्लाइमैक्स कुछ और ही होता फिल्म के कुछ दृश्यों का कोई लॉजिक ही नहीं लेकिन तकनीकी मज़बूत है फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर आदा शर्मा ने कहा कमांडो जो कि भारत में एक्शन फिल्मों की एक बड़ी फ्रेंचाइजी है उसका हिस्सा बनकर मैं काफ़ी रोमांचित हूं। इसमें दिखाए गए एक्शन दृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जिसे भारतीय दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कमांडो थ्री की अभिनेत्री अदा शर्मा तीसरी बार एक्शन सीक्वेंस में थ्रिल के साथ चुलबुले अंदाज में दिख रही हैं उनका कहना है कि यह एक्शन फ्रेंचाइजी की बड़ी फिल्म है आगामी फिल्म कमांडो थ्री में अदा शर्मा और अंगीरा धर महिलाओं को किस तरह व्यवहार करना चाहिए इस पुराने ऋणवादी विचारधारा को तोड़ रही है कमांडो थ्री में मार्क हैमिल्टन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है वही बैकग्राउंड संगीत एक्शन सीन में भी दर्शकों को, को इम्प्रेस कर देते हैं फिल्म क्लाइमैक्स में एक पॉजिटिव मैसेज देती है जिसे आप पसंद करेंगे फिल्म में थ्रिलर एक्शन के अलावा लोकेशन भी शानदार है एक्शन में माहिर विद्युत अपने काफ़ी सीरियस हावभाव में दिखाई देंगे बजाय किसी रोमांटिक पर्सन के अदय शर्मा अपनी नादानियाँ करते जरूर नजर आई हैं जिसमें फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है कमांडो थ्री अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए गुलशन ने कहा इस प्रक्रिया में गुजरना मेरे सह कलाकारों के साथ नए रचनात्मक तरीकों की कोशिश करना मजेदार रहा मैंने विद्युत समेत उनमें से कई लोगों के साथ काम किया है गुलशन ने यह भी साझा किया कि निर्देशक आदित्य दत्त ने उन्हें अपने तरीके से भूमिका निभाने की आज़ादी भी दी थी विद्युत जामाल अभिनी कमांडो की तीसरी फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे अभिनेता गुलशन दवैया है कि दर्शकों को हमेशा चौंकाते रहना चाहिए चालीस वर्षीय स्टारर अभिनेता ने कहा कमांडो थ्री जैसी फ्रेंचाइजी से कुछ उम्मीदें हैं शैतान और हेट स्टोरी में नकारात्मक भूमिका निभा चुके गुलशन ने कहा दर्शकों की उम्मीदों के अलावा मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ हालांकि फिल्म में उन्होंने अपना हंड्रेड दिया है लेकिन दर्शक उन्हें इससे हटकर देखना चाहते हैं कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को खत्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमला का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है हालांकि इससे पहले आए दो कमांडो और कमांडो तो में भी यही मुद्दे दिखाए जा चुके हैं फिल्म में लीड रोल कर रहे अभिनेता विद्युत जामवाल कमांडो बने हैं इसके अलावा अदा शर्मा इस फिल्म में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी की भूमिका निभा रही हैं विद्युत का कहना है कि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म का संतोषजनक है और मैं ट्रेलर की तरह ही दर्शकों को, को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा हूं। पहली फिल्म प्यार के लिए लड़ाई और अगली कड़ी में भारत के काले धन के रैकेट का पर्दाफाश करने की अपनी खोज के बाद तीसरी फिल्म में विद्युत का किरदार राष्ट्र को एक साथ लाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता दिखाई देना फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है अभिनेता विद्युत जामाल फिल्म कमांडो थ्री के ट्रेलर को मिल रही प्रतिक्रिया से अभी हैं उन्होंने कहा कि वह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म से दर्शकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा है फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था जिसे ट्यूब पर काफी अच्छी प्रक्रियाएँ मिली थी विद्युत ने प्रतिक्रिया से खुश हूँ विद्युत ने कहा कि मैं प्रतिक्रिया से खुश हूँ एक फ्रेंचाइजी के रूम में कमांडो मेरे बेहद करीब है दर्शक ने मुझे जो प्यार दिया है वह काफ़ी सुखदायक है फिल्म में मिट्टी के पहलवानों के साथ लड़ना हो या मार्शल आर्ट्स विद्युत जामाल सभी जगह ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन दर्शकों इसमें सिर्फ एक्शन में नयापन देखेंगे की कहानी में कमांडो थ्री की कहानी भले ही कमजोर हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफी कमाल की है हीरो भी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म में हर तरह के एक्शन की झलक दिखाई दी गई है आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलते ही केंद्र सरकार सेना के सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा यानी बिद्दू जामाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को ले को लंदन जाकर आतंकियों को पकड़ने की जिम्मेदारी देते हैं सेना के दोनों जाबाज लंदन जाते हैं और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक

करने के लिए उनकी तलाश और अब आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित यह तीसरी फिल्म देश को एकजुट कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बारे में है इस थ्रिलर में अदा शर्मा अंगिराधर और गुलशन दवैया भी हैं फिल्म ने प्रोड्यूसर पिपुल अमर लाल शाह ने कहा नवचार आजकल दर्शकों तक पहुंचाने की कुंजी है हमने फिल्म के पांच मिनट लंबे क्लिप को जारी करने के साहसिक कदम को उठाने का फैसला किया है उन्होंने कहा यह एक जुआ है लेकिन हमें यकीन है कि इस क्लिप को देखने के बाद दर्शक फिल्म को देख देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कमांडो थ्री के निर्माताओं ने फिल्म से विद्युत जामवाल फिल्म का एक वीडियो जारी किया था मिनट के के वीडियो को लेकर फिल्म के निर्माता अमृत लाल शाह का कहना था कि यह एक साहसिक कदम और एक बड़ा जुआ है निर्माताओं ने बुधवार को फिल्म से विद्युत के पांच मिनट लंबे परचात्मक वीडियो का अनावरण किया था कहानी का धागा काफी महीन है एक आतंकवादी भारत में नाइन स्लेस लेबन की तरह घटना को अंजाम देना चाहता है और एक कमांडो कैसे इस घटना को होने से रोकता है बस यही कहानी के भरोसे पूरी फिल्म का निर्माण किया गया है विद्युत जामवाल के एक्शन सीन वाकई देखते बनते हैं आज के सबसे बड़े एक्शन स्टार हैं जिस सहजता से वह बड़े से बड़े स्टंट कर गुजरते हैं ऐसा लगता है कि इस तरह के स्टंट हर रोज़ करने के वे आदि हैं यानी किरदार में विश्वसनीयता जगा ही देते हैं अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्युत जामवाल पूरी फिल्म को अपने एक्शन के सहारे दर्शनीय बना देते हैं अदा शर्मा का कामिक का अंदाज मजेदार है उनके और अंगिरा के एक्शन अप्रतिशित थे कुल मिलाकर तो गलत नहीं होगा आदित्य स्क्रीन पर थोड़ा और काम कर लेते स्पेशल इफेक्ट बहुत ही कमजोर है जब कलाकार अच्छे हों प्रोडक्शन ग्रैंड हो रिलीज बेहतर हो तो ऐसे में कहानी में अगर उतार चढ़ाव होते तो मामला बहुत ही बेहतर होता अगर आप एक्शन फिल्मों के हार्डकोर फैन हैं और विद्युत जामाल के एक्शन आपको लुभाते हैं तो आपको यह फिल्म देखनी चाहिए विद्युत के एक्शन वाकई देखने लायक हैं फिल्म की सारी कमियां वो अपने एक्शन से ढक लेते हैं साथ ही अंगिरा और अदा के एक्शन भी तड़का लगाने का काम करते हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 से छः साल पहले आर्टिकल 21 पर राजीव खंडेलवाल ने सात फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य दत्त के हिंदी सिनेमा में बोहनी चौदह साल पुरानी है इमरान हाशमी को सुपरस्टार बनाने वाले निर्देशकों में उनकी गिनती भी होती है और गिनती उनकी इस बात के लिए भी होती है कि उन्होंने सनी लियोनी की बायोपिक बनाई आदित्य के पास सिनेमाई समझ का विशाल कैनवास है लेकिन उनके बिजन में दिक्कत वैसी ही है जैसे फिल्म कमांडो थ्री में पहलवानों के लिए सिले गए डिजाइनर लंगोटों में है ओ पर काम करके अपनी असली चमक खो चुके और एक्टिंग के शिकार गुलशन दवैया और दो दो हीरोइन के बावजूद एक भी गाने पर अपने रुमानी एहसास न दिखाने वाले विद्युत जामवाल फिल्म कमांडो थ्री के दो विरोधी सिरे हैं पहला ऐसा आतंकवादी बना है जिसे अपने मासूम बच्चे को लाइव मर्डर दिखाने में सुख मिलता है दूसरा ऐसा देशभक्त बना है जिसके आगे अयोध्या मसले में समझौता फार्मूला निकालने की कोशिश में लग रहे श्री श्री रविशंकर भी फेल हैं। भारत में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेन सेंटर जैसी तबाही मचाने की तैयारी में लगे आतंकवादी बुराक अंसारी को पकड़ने का यह मिशन लंदन की पृष्ठभूमि में है विद्युत जामवाल नई सदी के सनी देवल हैं उनका हाथ ढाई किलो से कहीं ज्यादा वजनी है उनके एक्शन के सेट पैटर्न हैं। कार की खिड़की के बीच से निकल जाना या हवा में कला मारकर दुश्मन को चित कर देना यह सब कमांडो की पिछली फिल्मों की तरह ही है लेकिन फिल्म का पैसा वसूल सीन है उनकी दो चाकू चाकूबाजों से भिड़ंत है पूरा एक्शन सीन विद्युत ने खुद किया है और इस सीन से नजर हटा पाना मुश्किल है विद्युत ने अपने एक्शन को इस फिल्म में काफ़ी निखारा है संवाद अदायगी भी पिछली फिल्मों से बेहतर है उनकी पर्दे पर मौजूदगी कहानी के विस्तार में कमी को भुला देती है कमांडो थ्री की कहानी दूसरे पैराग्राम में आप पढ़ ही चुके हैं और पटकथा भी इस फिल्म की बस उतनी ही है बस हर लाइन के बाद पाँच मिनट का एक्शन सीन जोड़ते जाइए और दो घंटे और तेरह मिनट की फिल्म तैयार आदित्य दत्त ने आशिक बनाए आपने जैसे म्यूजिकल फिल्म से अपना करियर शुरू किया था और एक बिल्कुल नॉन म्यूजिक फिल्म बनाने की इस कोशिश में चौंकाया है हाँ अगर पटकथा थोड़ी चुस्त और किरदारों की थोड़ी सी सही पर तार्किक पृष्ठभूमि बताती चलती तो फिल्म और असरदार हो सकती थी हिंदू मुस्लिम एकता का राग भी अगर पंचम स्वर के बजाय थोड़ा हल्के में गाया जाता तो फिल्म बेहतर बनती फिल्म तकनीकी पक्ष में काफ़ी कमज़ोर है मार्क हैमिल्टन ने फिल्म किस कैमरे पर शूट की है ये तो वही जाने लेकिन जूहू पी के बड़े पर्दे पर देखते समय फिल्म ख़राब लगती है फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत सतही किस्म के हैं डोगरा का बुरा कंसारी को हेलीकॉप्टर से लेकर निकलना और पानी के जहाज तक पहुंचाने वाला पूरा सीन स्पेशल इफेक्ट से रचा गया है और इस पूरे सीक्वेंस में विजुअल इफेक्ट की सारी कमजोरी जा, जाहिर हो जाती है बिद्यु जामाल के बाद अगर यह फिल्म किसी कलाकार ने संभाली है तो वह है इसकी हीरोइन अदा शर्मा जैसे बिद्य जामाल की फिल्म में एंट्री नकली लंगोट वाले पहलवानों की धुनाई से होती है वैसे ही अदा शर्मा नकली दुल्हन बनकर अपने एंट्री सीन में प्रकट होती हैं और पहले सीन से ही रंग जमा देती हैं हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी अंदाज फिल्म की कॉमिक रहता है काम अंगीरा धर ने भी बढ़िया किया है दोनों हीरोइनों को आदित्य ने कुछ अच्छे एक्शन सीन भी दिए हैं खाली वक्त तो कुछ खास करने को ना हो तो फिल्म कमांडो थ्री देखकर टाइम पास किया जा सकता है विद्युत जामवाल ने मौत को मात देने वाले स्टंट सीन देकर अपनी फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई है और उनकी फिल्में उनके एक्शन को लेकर खास तौर पर जानी जाती हैं कमांडो फ्रेंचाइजी ऐसी ही फिल्म में से एक है और अब इस एक एक्शन थ्रिलर फिल्म का तीसरा पार्ट कमांडो थ्री उस हफ्ते रिलीज हुआ था तो क्या विद्युत जामौल एक बार फिर एक एक्शन हीरो बनकर कमांडो थ्री के साथ दर्शकों का मनोरंजन किए थे या अपने प्रयास में विफल हुए थे आइए जानते हैं कमांडो थ्री एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की कहानी है जो अपने देश को बचाने के लिए समय से लड़ता है मुंबई में दो युवा बच्चों उस्मान और उमर को उनके गुरु सुभान के साथ एक टिप आप के बाद गिरफ्तार किया जाता है गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि उस्मान और उमर का असली नाम क्रमशा राकेश और अमित था और उनका बराक अंसारी यानी दवैया के उत्तेजक प्रचार वीडियो को देखने के बाद इस्लाम में धर्मांतरण किया बराक इस वीडियो में मुँह कवर किया हुआ है जिससे इसमें इसके होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए भारतीय उसे क्योंकि त्यौहार का समय आ रहा है, है। वरिष्ठ खुफिया अधिकारी राय यानी राजेश तैलंग अपने सबसे विश्वसनीय और बहादुर अधिकारी करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामाल से इस मामले को संभालने के लिए कहता है करणबीर को पता चलता है कि उस्मान उमर और सुबहान के घर में पाए गए वीडियो और करेंसी नोट का सोर्स लंदन से है इसी बी राय को इस बात का एहसास होता है कि सुबहान ने नाइन इसलिएस लेबन हमले के हमले के बारे में बार बार बात की और इसका मतलब है कि भारत में हमला नाइन नवंबर या नाइन इसलिएस लेबन को होगा और संयोग से यह दिवाली का दिन है दिवाली में सिर्फ तैतीस दिन बाकी हैं करणबीर को तुरंत बराक को ट्रैक करने के लिए लंदन भेजा जाता है उसे इस मिशन में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा की मदद मिलती है जो अब भ्रष्ट नहीं है लेकिन फिर भी करणबीर से प्यार करती हैं लंदन में उन्हें दो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंटों मल्लिका सोद यानी अंगिराधर और अरमान अख्तर यानी सुमिता ठाकुर द्वारा स्थानीय सहायता प्रदान की जाती है बहुत सारे संदिग्धों से सावधानी पूर्वक पूछताछ करने के बाद आखिरकार ऐसा कोई मिलता है जिसे बराक की पहचान का पता लगाने का मौका मिलता है और पता चलता है कि वह एक रेस्तरा चलाता है इतना ही नहीं उन्हें यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी जाहिरा यानी फिरना वाजिर से उसका तलाक हो चुका है और वह अपने बेटे अबिर यानी आर्थो विश्वर्मा से बेहद प्यार करती है करणबीर उसके बेटे को जाहिरा के साथ अपने खास रख लेता है जो बराक की गतिविधियों से अवगत है और इसलिए गवाह बनने के लिए सहमत है जब बराक को इस बारे में पता चलता है तो वह भारत पर हमला करने का प्लान बन पहले बनाने का फैसला करता है और बाद में आगे क्या होता है यह बाकी फिल्म में आगे ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है डेरियस यारमिल और जुनेद वासी की कहानी क्लिंच और साधारण है लेकिन डेरियस यारमिल और जुनेद वासी की पटकथा ऐसी है जिसके चरित्र चित्रण ट्विस्ट और मोड़ आदि के संदर्भ में कुछ नयापन लाते हैं जो फिल्म में रुचि को बनाए रखता है हालांकि बेहतर प्रभाव के लिए इसे शुरू से अंत तक लगाकर मनोरंजक होना चाहिए था से डीरियसारमिल और जुनेद वासी के डायलॉग खराब हैं इस तरह की फिल्म में वन लाइनर्स होने चाहिए जो आदर्श रूप से एक पंच पैक होना चाहिए अफसोस की बात है कि डायलॉग सख्ती से ठीक हैं और कई जगहों पर काफ़ी खराब हैं आदित्य दत्त का निर्देशन साफ सुथरा है और वह इसे इतनी अच्छी तरह से संभालते हैं कि लोग आनंद ले सकें और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात होगी कि जो चल रहा है उसे समझ सके कुछ दृश्यों को चतुराई से संभाला जा सक जाता है जिस क्रम में करणबीर और उनके साथी बराक को नीचे देख रहे हैं जबकि समांतर क्रम में बराक करणवीर का शिकार कर रहा है बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है रोमांटिक ट्रैक बामुश्किल नज़र आता है और यह ठीक है क्योंकि यहाँ बिना समय गवाह कहानी पर फोकस किया जाता है ठीक इसके विपरीत शुरुआत के हिस्से दिलचस्प नहीं हैं और यहां तक कि सेकंड हाफ में फिल्म को ऊपर उठने में काफ़ी वक्त लगता है फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें पचा पाना असंभव है अंत तक कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं बराक के बैक स्टोरी को अंत तक नहीं बताया गया कि आखिर वह इतना खतरनाक आतंकी कैसे बना और हमेशा कैसे खुफिया रडार से बचा यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि बराक ने अपने वीडियो में वास्तव में ऐसा क्या बताया कि युवाओं ने इस हद तक दिमाग लगाया कि कुछ हिंदू इस्लाम की ओर मुड़ गए इसके कुछ स्निपेट दिखाए गए हैं लेकिन इनमें कुछ खास समझ नहीं आता कमांडो थ्री की शुरुआत कुछ खास नहीं होती शुरुआती सीन काफ़ी धीमे और बांधते नहीं हैं विद्युत जामॉल की एंट्री फिल्म में अनावश्यक एक्शन लेकर आती है पूछताछ का सीन अच्छा है लेकिन फिर से फिल्म स्लो हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है फिर फिल्म में दिलचस्पी जागती है करणबीर और उनके साथियों द्वारा बराक को ट्रैक करने का तरीका दिलचस्प है जब बराक एक समाचार चैनल पर करणबीर का वीडियो देख रहा होता है और उसे अचानक झटका लगता है कि यह सीन देखने लायक है इनरोल के बाद फिल्म में फिर से फिल्म अपनी रफ्तार खो देती है यह एक सीन हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द डार्क नाइट की याद दिलाता है फिल्म के लास्ट के तीस मिनट काफ़ी मनोरंजक और बांधे रखते हैं सिंगल स्क्रीन के दर्शक इसे सुनिश्चित रूप से पसंद करेंगे क्योंकि मेकर्स ने यह हिंदू मुसलमान एकता पर अच्छा मैसेज दिया है कमांडो थ्री पूरी तरह से विद्युत जामाल की फिल्म है और इसमें कोई शक नहीं है उनका अभिनय इतना ग्रैंड नहीं है लेकिन वह पूरी फिल्म को अपने कंधे पर खींचने में कामयाब होते हैं और जैसा कि उनके एक्शन अवतार की उम्मीद की जाती है वह इसे यकीन पूरा करते हैं फिनाले में उनका अपने सीटी और ताली का हकदार है अदा शर्मा कमांडो टू के अपने अभिनय को दोहराती हैं जो पसंद करने योग्य है उनका हास्य भाग इस बार दूसरे भाग की तुलना में कम है लेकिन भावना रेड्डी के प्रशंसकों को निराशा नहीं होनी चाहिए अंकिरा धार अपने रोल में जचती हैं दोनों ही अभिनेत्री अपने अपने रोल में जचती हैं गुलशन दवैया बिलन के रूम में डरावने लगते हैं वह अपनी आंखों से काफ़ी कुछ कह जाते हैं यह देखने लायक है उनके ब्रिटिश एक्सेंट के लिए स्पेशल उल्लेख होना चाहिए जिसे उन्होंने बाखू किया है अनिल जॉर्ज यानी मोमिन

जो कि सुभान के पिता हैं और सुभान उमर अमित उस्मान राकेश इंस्पेक्टर तांबे और जेतुन की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं फिल्म में संगीत की कोई गुंजाइश नहीं है तेरा बाप आया को पृष्ठभूमि में प्ले किया गया है जो फिल्म में अच्छे से काम करता है मैं और रात हूँ भी बैकग्राउंड बा, में प्ले किया जाता है लेकिन उतना ध्यान नहीं खींचता है अखिया मिलवांग का और इरादे का बुलंद फिल्म से गायब है सौरभ भालेराव का बैकग्राउंड स्कोर सुरम्य और प्राण पोषक है मार्क हैमिल्टन की सिनेमाटोग्राफी मनोरम है खासकर एक्शन दृश्यों में एंटी लास्ट स्टंट टीम लिमिटेड एलन अमीन के रवि वर्मा ने एक्शन काफ़ी कट्टर और हिंसक हैं लेकिन विद्युत के एक्शन सीन इसे देखने लायक बनाते हैं जो ही तलमाकी का प्रोडक्शन डिजाइन साफ़ सुथरा है संदीप ग्रूप का संपादन कुछ दृश्यों में और कसा हुआ हो सकता है कुल मिलाकर कमांडो थ्री एक्शन सीक्वेंस सोशल मैसेज और कुछ पैसा वसूल सीन के कारण एक अच्छी एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म है फिल्मी पर्दे पर आतंकवाद जैसे विषय को काफ़ी बनाया जा चुका है इसके बावजूद भी फिल्मकारों की आसक्ति इस विषय पर बनी हुई है आशिक बनाए आपने फेम निर्देशक आदित्य दत्त भी आतंकवाद के कैस करने नहीं चुके यह सच है कि उन्होंने विषय के मुताबिक भिदुजाम जैसे एक्शन में परंपरागत जैसे चपल हीरो को चुना देशभक्ति का स्ट्रांग ट्रैक रखा और साथ ही हिंदू मुस्लिम बगावत भी मगर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सिवाय रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के कोई भी नयापन फिल्म में नज़र नहीं आता भारत सरकार को जब पता चलता है कि देश पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की साजिश होने जा रही है तो अपने नंबर वन कमांडो करण सिंह डोगरा यानी विद्युत जामॉल को बुलावा भेजते हैं करण सिंह डोगरा भी सिर पर कफन बांधकर तय कर लेता है कि इस किसी भी हाल में इस हमले के पीछे लगे हुए मास्टरमाइंड को निस्तान भूत करेगा असल में आतंकवाद का सरगना बराक अंसार यानी गुलशन देवैया लंदन में बैठकर वीडियो टेप के जरिए धर्म का सहारा लेकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है इस मिशन पर करण के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानि अदा शर्मा को भी नियुक्त किया गया है इस मिशन में उनके साथ जुड़ते हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सूद यानी अंगिराधार और अरमान यानी सुमित ठाकुर मगर बुराक को पकड़ना इतना आसान नहीं है इंडियन इंटेलिजेंस और कमांडोज से सुसज्जित यह टीम अगर साह देने पर आमदा है तो बुराक अंसारी भी मात देने की तैयारी किए बैठा है आमतौर पर फिल्मकार जब एक्शन के ताम झाम से सजी फिल्म बनाते हैं तो उनके एक्शन का डोज तो तगड़ा होता है मगर कहीं ना कहीं तो वे कहानी को उपेक्षित कर देते हैं निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो की फ्रेंचाइजी होने के नाते यह स्वाभाविक भी है मगर वे कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फिल्म का क्लेवर कुछ और होता कुछ दृश्य अतार्किक लगते हैं मगर फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है एक्शन की कोरियोग्राफी सांसें रोक देती हैं नायक की एंट्री कमाल की है एक्शन के मामले में एक्शन डायरेक्टर एंडी लॉग स्टंट आलन जनी जामीन और रवि वर्मा ने काबिल तारीफ काम किया है एक्शन फिल्म में संगीत को ज़बरदस्ती न ठोस कर उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है कुछ दृश्यों में बी की कमजोरियाँ झलक जाती हैं क्लाइमैक्स में संदेश देना नहीं भूले हैं विद्युत फिल्म की जान बन पड़े हैं सर्वदित की एक्शन में उनकी तूती बोलती है और उन्होंने अपनी इस खूबी को कहीं भी फीका नहीं पड़ने दिया है उनकी एक्शन में विश्वसनीयता झलकती है उनकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के कारण उनका एक्शन विशिष्ट शैली का बन जाता है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़त यादगार सीन बन पड़ा है संवाद अदायगी भी उनकी सवारी है अदा शर्मा फिल्म में सरप्राइज करते हैं, नकली दुल्हन बनकर एंट्री करने वाला सीन मजेदार बन पड़ा है हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी लहजा मजेदार है अंगीरा धार ने रोल के मुताबिक काम किया है पर्दे पर नायिकाओं को एक्शन करते देखना भला लगा है अंसारी के रूम में गुलशन क्रूर और कुर्दात लगे हैं विद्युत जामुआल अदा शर्मा अंगीराधर राजेश तैलंग सुमित ठाकुर स्टारर फिल्म कमांडो थ्री उन्नीस उनतीस नवंबर को पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है आदित्य इससे पहले फिल्म आशिक बनाया आपने और टेबल नंबर ट्वेंटी वन डायरेक्ट कर चुके हैं देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है बता दें कि यह फिल्म कमांडो का तीसरा भाग है ऐसे में फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं वही गुलशन दवैया कमांडो थ्री में बिलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं कमांडो थ्री की कहानी शुरू की शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुंडों से लड़ता है यह कमांडो कोई और नहीं बल्कि करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल है फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच सामंजस्य हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र को एक खूंखार आतंकवादी से बचाने के बारे में है कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकी संगठन के लीडर का पीछा करता है ये आतंकी संगठन का लीडर जो कई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह यानी विद्युत जामवाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को चुनती है फिल्म में करणबीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सोदयानी अंगिराधर और अरमान यानी सुमिता ठाकुर से बनाते हैं यहाँ से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल आतंकी हमले के मास्टर को बुराक को पकड़ने के लिए करणबीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने पूरी कोशिश करती है अब उन्हें सफलता मिलती है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक राजनीतिक और वैश्विक स्तर कई ज़रूरी बातें की जा रही हैं एक्शन से भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टंट देखने को मिलेगा फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखे हैं एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन भले ही लोगों को कच्चे नजर आएँ लेकिन एक्शन मामले में दर्शकों का दिल जीतते नज़र आएंगे वही भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है बात करें बिलेन यानी बुराक के रोल में गुलशन दवैया की तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं वह अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींचते दिखाई देंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आशिक बनाया आपने और सस्पेंस थ्रिलर टेबल ट्वेंटी जैसी फिल्मों को बनाया है उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है लेकिन आदित्य ने कुछ सीन्स को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है कह सकते हैं कि उन्होंने एक्शन सीन के साथ कमाल करने की कोशिश की है स्क्रीन प्ले आकर्षक है लेकिन इसकी कहानी साधारण है फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफ़ी दिलचस्प नजर आएगा जिसमें बेहद रोमांचक सीन और एक्शन सीन होंगे फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आएगी ख़ास बात है कि इसकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी फिल्म में सीन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार हैं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर मार्क हेलिमटन है ने बेहतरीन काम किया है वही कई दृश्य एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को जोश से भर देगा कहानी कमज़ोर होने की वजह से दर्शकों को ज़्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है कमांडो मध्यम बजट में बनाई जाने वाली एक्शन फिल्म की सीरीज है जिसमें विद्युत जामवाल वही करते हैं जो सलमान खान टाइगर सीरीज में और टाइगर श्राफ बागी सीरीज में करते हैं कमांडो थ्री में विद्युत देश को सलमान की तरह बचाते हैं और टाइगर की तरह गुंडों की धुनाई करते हैं कमांडो और कमांडो टू को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता मिली थी और इसी से उत्साहित होकर इस सीरीज का तीसरा भाग बनाया गया है फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें तीन लड़कों को उनके फर्जी पासपोर्ट के आधार पर ए ने पकड़ा है। कड़ी पूछताछ के बाद सिर्फ एक रहस्यमय आदमी के बारे में ही पता चला सका जिसने इन तीनों लड़कों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भर दिया है पुलिस के हाथ अहम सुराग ये लगता है कि भारत पर बड़े हमले की साजिश हो रही है और यह रहस्यमय व्यक्ति लंदन में सारा काम करता है उसे पकड़ने का जिम्मा सिंह डोगरा यानी को दिया गया है करल की मदद करते हैं भारत में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मलिका सूद और अरमान अख्तर लंदन जाकर करड़ को पता चलता है कि भारत पर हमले का काउंट शुरू हो गया है क्या हमारा कमांडो मिस्ट्री मैन की पहचान का खुलासा कर पाएगा कैसे वे देश को बचा पाएगा इन सवालों के जवाब इस फिल्म में थ्रिल और एक्शन के साथ दिए गए हैं फिल्म पहले हाफ़ इसलिए अच्छी लगती है कि जो उम्मीद आप इस तरह की फिल्मों से करते हैं वो पूरी तरह से करती है लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म अपनी चमक खो देती है क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा फिल्मी होने से निराश करता है क्या बात को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका लेखक और निर्देशक को नहीं मिला फिल्म में देश प्रेम को दिखाने की कोशिश बार बार की गई है जो कि अखलती है बिना सिचुएशन के यह सब ठीक नहीं लगता और समझ में आता है कि बात थोपी जा रही है आदित्य दत्त ने ज़्यादा दर्शकों को खुश करने के लिए ऐसे सीन भी रखे हैं जो फिल्म के मोड के अनुरूप नहीं हैं। मिसाल के तौर पर विद्या जामॉल का एंट्री सीन हीरो का बिलन तक पहुंचने का सफ़र बहुत मजेदार नहीं है हीरो सब कुछ आसानी से कर लेता है इसलिए थ्रिल पैदा नहीं होता और ना ही हरोोगिरी नज़र आती है यदि हीरो की राह थोड़ी मुश्किल बनाई जाती तो फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती बिलन फिल्म की कमजोर कड़ी है गुलशन दवैया एक बेहतरीन अभिनेता हैं लेकिन यहाँ वह मिसफिट लगे हैं उन्होंने अपने आप को ताकतवर और क्रोध दिखाने की भरकस कोशिश की है और एक्टिंग की लेकिन कामयाब नहीं हो सके बिलन भारत पर क्यों हमला करना चाहता है क्यों उसके अंदर नफरत भरी नफरत भरी है यह बात भी कहानी में बताई नहीं गई है अदा शर्मा को ज़्यादा मौका नहीं मिला लेकिन लेकिन वह यह देखने में सफल रही कि वह स्टंट अच्छे से कर लेती हैं ज्यादा गाने नहीं रखकर निर्देशक ने दर्शकों पर उपकार किया है कमियों के बावजूद फिल्म दर्शकों की रुचि बनाए रखती है तो इसका श्रेय कुछ टर्न्स और ट्विस्ट विद्युत जामॉल के शानदार स्टंट कुछ बढ़िया पीछा करने वाले दृश्यों को जाता है ज्यादा उम्मीद से नहीं देखी जाए तब तो फिल्म पसंद आ सकती है कमांडो टू के बाद फिल्म निर्माता बिपुल अमरत अमृत लाल शाह कमांडो थ्री लेकर आए हैं फिल्म की कहानी धर्म के नाम पर छिड़े आतंकवाद पर आधारित है कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को खत्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमले का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है फिल्म के लीड के अभिनेता विद्यु जामौल का कहना है कि हम साथ साथ हैं इसलिए खास हैं नब्बे करोड़ हिंदू और बाईस करोड़ मुसलमान हैं इस देश में अगर साथ नहीं होते तो देश खास नहीं होता बचपन में कहानी सुनते थे कि पांच उंगली मिल जाए तो मुट्ठी बनती है और फिर आती है ताकत कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे हम नहीं टूटेंगे ये मेरा विश्वास है मेरा खास भारत क्योंकि हम साथ, साथ हैं जय हिंद फिल्म में उनकी ये बातें कमांडो थ्री का हिस्सा हैं फिल्म का थीम भी सभी धर्मों से सामंजस्य स्थापित करता है गुलशन दवैया फिल्म में आतंकी बुराक अंसारी बने हैं जो लंदन में बैठे बैठे वीडियोस के जरिए भारतीय युवाओं का वॉश करता है इस तरह से बुराक अंसारी देश के युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल करने में कामयाबी हर कर लेता है देश के लिए यही युवा ख़तरा बन जाते हैं और मासूम लोगों पर हमला का साया मर है फिल्म के निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो के फ्रेंचाइजी होने के नाते ऐसा होना लाजमी भी है लेकिन वह हर कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फ़िल्म का क्लाइमैक्स कुछ और ही होता फिल्म के कुछ दृश्यों का कोई लॉजिक ही नहीं लेकिन तकनीकी मजबूत है फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर अदा शर्मा ने कहा कमांडो जो कि भारत में एक्शन फिल्मों की एक बड़ी फ्रेंचाइजी है कमांडो थ्री के अभिनेत्री अदा शर्मा तीसरी बार एक्शन सीक्वेंस में थ्रिल के साथ चुलबुले अंदाज में दिख रही हैं उनका कहना है कि यह एक्शन फ्रेंचाइजी की बड़ी फिल्म है आगामी फिल्म कमांडो थ्री में अदा शर्मा और अंगीराधर को को किस तरह व्यवहार करना चाहिए इस पुराने को तोड़ रही है कमांडो थ्री में मार्क हैमिल्टन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है वही बैकग्राउंड संगीत एक्शन सीन में भी दर्शकों को इंप्रेस कर देते हैं फिल्म क्लाइमैक्स में एक पॉजिटिव मैसेज देती है जिसे आप पसंद करेंगे फिल्म में थ्रिलर एक्शन के अलावा लोकेशन भी शानदार है एक्शन में माहिर विद्युत अपने काफ़ी सीरियस हावभाव में दिखाई देंगे बजाय किसी रोमांटिक पर्सन के अदर शर्मा अपनी नादानियाँ करते जरूर नजर आई हैं जिसमें फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है कमांडो थ्री अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए गुलशन ने कहा इस प्रक्रिया में गुजरना मेरे सह कलाकारों के साथ नए रचनात्मक तरीकों की कोशिश करना मज़ेदार रहा मैंने विद्युत समेत उनमें से कई लोगों के साथ काम किया है गुलशन ने यह भी साझा किया कि निदेशक आदित्य दत्त ने उन्हें अपने तरीके से भूमिका निभाने की आज़ादी भी दी थी विद्युत जामवाल अभिनीत कमांडो की तीसरी फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे अभिनेता गुलशन दवैया का मानना है कि दर्शकों को हमेशा चौंकाते रहना चाहिए चालीस वर्षीय स्टारर अभिनेता ने कहा कमांडो थ्री जैसी फ्रेंचाइजी से कुछ उम्मीदें हैं चैतान और हेट स्टोरी में नकारात्मक भूमिका निभा चुके गुलशन ने कहा दर्शकों की उम्मीदों के अलावा मैं उन्हें खुद देना चाहता हूँ हालांकि फिल्म में उन्होंने अपना हंड्रेड फीसदी दिया है लेकिन दर्शक उन्हें इससे हटकर देखना चाहते हैं कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को ख़त्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमला का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है हालांकि इससे पहले आए दो कमांडो और कमांडो तो में भी यही मुद्दे दिखाए जा चुके हैं फिल्म में लीड रोल कर रहे अभिनेता बिद्यु जामवाल कमांडो बने हैं इसके अलावा अदा शर्मा इस फिल्म में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी की भूमिका निभा रही हैं विद्युत का कहना है कि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म का संतोषजनक है और मैं ट्रेलर की तरह ही दर्शकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा हूं। पहली फिल्म प्यार के लिए लड़ाई और अगली कड़ी में भारत के काले धन के रैकेट का पर्दाफाश करने की अपनी खोज के बाद तीसरी फिल्म में विद्युत का किरदार राष्ट्र को एक साथ लाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता दिखाई देना फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है अभिनेता विद्युत जामाल फिल्म कमांडो थ्री के ट्रेलर को मिल रही प्रतिक्रिया से अभिभूत हैं उन्होंने कहा कि वह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म से दर्शकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा है फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था जिसे ट्यूब पर काफी अच्छी प्रक्रियाएं मिली थी विद्युत ने प्रतिक्रिया से खुश हूँ विद्युत ने कहा कि मैं प्रतिक्रिया से खुश हूँ एक फ्रेंचाइजी के रूप में कमांडो मेरे बेहद करीब है दर्शक ने मुझे जो प्यार दिया है वह काफ़ी सुखदायक है फिल्म में मिट्टी के पहलवानों के साथ लड़ना हो या मार्शल आर्ट्स विद्युत जामाल सभी जगह ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन दर्शकों इसमें सिर्फ एक्शन में नयापन देखेंगे की कहानी में कमांडो थ्री की कहानी भले ही कमज़ोर हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफी कमाल की है हीरो भी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म में हर तरह के एक्शन की झलक दिखाई दी गई है आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलते ही केंद्र सरकार सेना के सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा यानी बिद्दू जामाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को ले को लंदन जाकर आतंकियों को पकड़ने की जिम्मेदारी देते हैं सेना के दोनों जाबाज लंदन जाते हैं और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक

करने के लिए उनकी तलाश और अब आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित यह तीसरी फिल्म देश को एकजुट कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बारे में है इस थ्रिलर में अदा शर्मा अंगिराधर और गुलशन दवैया भी हैं फिल्म ने प्रोड्यूसर पिपुल अमर लाल शाह ने कहा नवचार आजकल दर्शकों तक पहुंचाने की कुंजी है हमने फिल्म के पांच मिनट लंबे क्लिप को जारी करने के साहसिक कदम को उठाने का फैसला किया है उन्होंने कहा यह एक जुआ है लेकिन हमें यकीन है कि इस क्लिप को देखने के बाद दर्शक फिल्म को देख

एक आतंकवादी भारत में नाइन स्लेस लेबन की तरह घटना को अंजाम देना चाहता है और एक कमांडो कैसे इस घटना को होने से रोकता है बस यही कहानी के भरोसे पूरी फिल्म का निर्माण किया गया है विद्युत जामवाल के एक्शन सीन वाकई देखते बनते हैं आज के सबसे बड़े एक्शन स्टार हैं जिस सहजता से वह बड़े से बड़े स्टंट कर गुजरते हैं ऐसा लगता है कि इस तरह के स्टंट हर रोज़ करने के वे आदि हैं यानी किरदार में विश्वसनीयता जगह ही देते हैं अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्युत जामवाल पूरी फिल्म को अपनी एक्शन के सहारे दर्शनीय बना देते हैं का कामी का है। उनके और के काम कर लेते बहुत ही कमजोर है जब कलाकार अच्छे हों प्रोडक्शन ग्रैंड हो रिलीज बेहतर हो तो ऐसे में कहानी में अगर उतार चढ़ाव होते तो मामला बहुत ही बेहतर होता अगर आप एक्शन फिल्मों के हार्डकोर फैन हैं और विद्युत जामवाल के एक्शन आपको लुभाते हैं तो आपको यह फिल्म देखनी चाहिए विद्युत के एक्शन वाकई देखने लायक हैं फ़िल्म की सारी कमियां वो अपने एक्शन से ढक लेते हैं साथ ही अंगिरा और अदा के एक्शन भी तड़का लगाने का काम करते हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 से छः साल पहले आर्टिकल 21 पर राजीव खंडेलवाल ने सात फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य दत्त की हिंदी सिनेमा में बोहनी चौदह साल पुरानी है इमरान हाशमी को सुपरस्टार बनाने वाले निर्देशकों में उनकी गिनती भी होती है और गिनती उनकी इस बात के लिए भी होती है कि उन्होंने सनी लेनी की बायोपिक बनाई आदित्य के पास सिनेमाई समझ का विशाल कैनवास है लेकिन उनके बिजन में दिक्कत वैसी ही है जैसे फिल्म कमांडो थ्री में पहलवानों के लिए सिले गए डिजाइनर लंगोटों में है ओ पर काम करके अपनी असली चमक खो चुके और एक्टिंग के शिकार गुलशन दवैया और दो दो हीरोइन के बावजूद एक भी गाने पर अपने रूमानी एहसास न दिखाने वाले विद्युत जामवाल फिल्म कमांडो थ्री के दो विरोधी सिरे हैं पहला ऐसा आतंकवादी बना है जिसे अपने मासूम बच्चे को लाइव मर्डर दिखाने में सुख मिलता है दूसरा ऐसा देशभक्त बना है जिसके आगे अयोध्या मसले में समझौता फार्मूला निकालने की कोशिश में लग रहे श्री श्री रविशंकर भी फेल हैं। भारत में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर जैसी तबाही मचाने की तैयारी में लगे आतंकवादी बुराक अंसारी को पकड़ने का यह मिशन लंदन की पृष्ठभूमि में है विद्युत जामवाल नई सदी के सनी देवल हैं उनका हाथ ढाई किलो से कहीं ज़्यादा वजनी है उनके एक्शन के सेट पैटर्न हैं कार की खिड़की के बीच से निकल जाना या हवा में कला मारकर दुश्मन को चित कर देना यह सब कमांडो की पिछली फिल्मों की तरह ही है लेकिन फिल्म का पैसा वसूल सीन है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़ंत है पूरा एक्शन सीन विद्युत ने खुद किया है और इस सीन से नज़र हटा पाना मुश्किल है विद्युत ने अपने एक्शन को इस फिल्म में काफ़ी निखारा है संवाद अदायगी भी पिछली फिल्मों से बेहतर है उनकी पर्दे पर मौजूदगी कहानी के विस्तार में कमी को भुला देती है कमांडो थ्री की कहानी दूसरे पैराग्राम में आप पढ़ ही चुके हैं और पटकथा भी इस फिल्म की बस उतनी ही है बस हर लाइन के बाद पाँच मिनट का एक्शन सीन जोड़ते जाइए और दो घंटे और तेरह मिनट की फिल्म तैयार आदित्य दत्त ने आशिक बनाए आपने जैसे म्यूजिकल फिल्म से अपना करियर शुरू किया था और एक बिल्कुल नॉन म्यूजिक फिल्म बनाने की इस कोशिश में चौंकाया है हाँ अगर पटकथा थोड़ी चुस्त और किरदारों की थोड़ी सी सही पर तार्किक पृष्ठभूमि बताती चलती तो फिल्म और असरदार हो सकती थी हिंदू मुस्लिम एकता का राग भी अगर पंचम स्वर के बजाय थोड़ा हल्के में गाया जाता तो फिल्म बेहतर बनती फिल्म तकनीकी पक्ष में काफ़ी कमज़ोर है मार्क हैमिल्टन ने फिल्म किस कैमरे पर शूट की है ये तो वही जाने लेकिन जूहू पीवीआर के बड़े पर्दे पर देखते समय फिल्म ख़राब लगती है फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत सतही किस्म के हैं डोगरा का बुराक अंसारी को हेलीकॉप्टर से लेकर निकलना और पानी के जहाज तक पहुंचाने वाला पूरा सीन स्पेशल इफेक्ट से रचा गया है और इस पूरे सीक्वेंस में विजुअल इफेक्ट की सारी कमजोरी जा, जाहिर हो जाती है विद्य जामौल के बाद अगर ये फिल्म किसी कलाकार ने संभाली है तो वह है इसकी हीरोइन अदा शर्मा जैसे बिद्यु जामाल की फिल्म में एंट्री नकली लंगोट वाले पहलवानों की धुनाई से होती है वैसे ही अदा शर्मा नकली दुल्हन बनकर अपने एंट्री सीन में प्रकट होती हैं और पहले सीन से ही रंग जमा देती हैं हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी अंदाज फिल्म की कॉमिक रहता है काम अंगीरा धर ने भी बढ़िया किया है दोनों हीरोइनों को आदित्य ने कुछ अच्छे एक्शन सीन भी दिए हैं खाली वक्त तो कुछ खास करने को ना हो तो फिल्म कमांडो थ्री देखकर टाइम पास किया जा सकता है विद्युत जामवाल ने मौत को मात देने वाले स्टंट सीन देकर अपनी फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई है और उनकी फिल्में उनके एक्शन को लेकर खास तौर पर जानी जाती हैं कमांडो फ्रेंचाइजी ऐसी ही फिल्म में से एक है और अब इस एक एक्शन थ्रिलर फिल्म का तीसरा पार्ट कमांडो थ्री उस हफ्ते रिलीज हुआ था तो क्या बिद्युजामॉल एक बार फिर एक, एक एक्शन हीरो बनकर कमांडो थ्री के साथ दर्शकों का मनोरंजन किए थे या अपने प्रयास में विफल हुए थे आइए जानते हैं कमांडो थ्री एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की कहानी है जो अपने देश को बचाने के लिए समय से लड़ता है मुंबई में दो युवा बच्चों उस्मान और उमर को उनके गुरु सुभान के साथ एक टिप आप के बाद गिरफ्तार किया जाता है गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि उस्मान और उमर का असली नाम क्रमशाह राकेश और अमित था और उनका बराक अंसारी यानी गुलसंद भैया के उत्तेजक प्रचार वीडियो को देखने के बाद इस्लाम में धर्मांतरण किया बराक इस वीडियो में मुंह कवर किया हुआ है जिससे इसमें इसके होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसी उसे पहचान पाने में नाकाम होती है इसके बाद पता चलता है कि वह भारत में एक बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है क्योंकि तैयार का समय आ रहा है क्योंकि त्यौहार का समय आ रहा है वरिष्ठ खुफिया अधिकारी राय यानी राजेश तैलंग अपने सबसे विश्वसनीय और बहादुर अधिकारी करणबीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामाल से इस मामले को संभालने के लिए कहता है करणबीर को पता चलता है कि उस्मान उमर और सुभान के घर में पाए गए वीडियो और करेंसी नोट का सोर्स लंदन से है इसी बी राय को इस बात का एहसास होता है कि सुबहान ने नैन इशलेस लेपन हमले के हमले के बारे में बार बार बात की और इसका मतलब है कि भारत में हमला नाइन नवंबर या नाइन एसलेस लेबन को होगा और संयोग से यह दिवाली का दिन है दिवाली में सिर्फ तैंतीस दिन बाकी हैं करणबीर को तुरंत बराक को ट्रैक करने के लिए लंदन भेजा जाता है उसे इस मिशन में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा की मदद मिलती है जो अब भ्रष्ट नहीं है लेकिन फिर भी करणबीर से प्यार करती हैं लंदन में उन्हें दो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंटों मल्लिका सोद यानी अंगिराधर और अरमान अख्तर यानी सुमिता ठाकुर द्वारा स्थानीय सहायता प्रदान की जाती है बहुत सारे संदिग्धों से सावधानी पूर्वक पूछताछ करने के बाद आखिरकार ऐसा कोई मिलता है जिसे बराक की पहचान का पता लगाने का मौका मिलता है और पता चलता है कि वह एक रेस्तरा चलाता है इतना ही नहीं उन्हें यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी जाहिरा यानी फिरना वाजिर से उसका तलाक हो चुका है और वह अपने बेटे अबीर यानी आर्थो विश्वकर्मा से बेहद प्यार करती है करणीर उसके बेटे को जाहिरा के साथ अपने खास रख लेता है जो बराक की गतिविधियों से अवगत है और इसलिए गवाह बनने के लिए सहमत है जब बराक को इस बारे में पता चलता है तो वह भारत पर हमला करने का प्लान बन पहले बनाने का फैसला करता है और बाद में आगे क्या होता है यह बाकी फिल्म में आगे ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है डेरियसारमिल और जुनेद वासी की कहानी क्लिंच और साधारण है लेकिन डेरियस यारमिल और जुनेद वासी की पटकथा ऐसी है जिसके चरित्र चित्रण ट्विस्ट और मोड़ आदि के संदर्भ में कुछ नयापन लाते हैं जो फिल्म में रुचि को बनाए रखता है हालांकि बेहतर प्रभाव के लिए इसे शुरू से अंत तक लगाकर मनोरंजक होना चाहिए था डीरे सेमिल और जुनेद वासी के डायलॉग खराब हैं इस तरह की फिल्म में वन लाइनर्स होने चाहिए जो आदर्श रूप से एक पंच पैक होना चाहिए अफसोस की बात है कि डायलॉग सख्ती से ठीक हैं और कई जगहों पर काफ़ी खराब हैं आदित्य दत्त का निर्देशन साफ़ सुथरा है और वह इसे इतनी अच्छी तरह से संभालते हैं कि लोग आनंद ले सकें और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात होगी कि जो चल रहा है उसे समझ सकें कुछ दृश्यों को चतुराई से संभाला जा जाता है जिस क्रम में करणबीर और उनके साथ ही बराक को नीचे देख रहे हैं जबकि समांतर क्रम में बराक करणवीर का शिकार कर रहा है बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है रोमांटिक ट्रैक बामुश्किल नज़र आता है और यह ठीक है क्योंकि यहाँ बिना समय गवाए कहानी पर फोकस किया जाता है ठीक इसके विपरीत शुरुआत के हिस्से दिलचस्प नहीं हैं और यहां तक कि सेकंड हाफ में फिल्म को ऊपर उठने में काफ़ी वक्त लगता है फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें पचा पाना असंभव है अंत तक कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं बराक के बैक स्टोरी को अंत तक नहीं बताया गया कि आखिर वह इतना खतरनाक आतंकी कैसे बना और हमेशा कैसे खुफिया रडार से बचा यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि बराक ने अपने वीडियो में वास्तव में ऐसा क्या बताया कि युवाओं ने इस हद तक दिमाग लगाया कि कुछ हिंदू इस्लाम की ओर मुड़ गए इसके कुछ स्नपेट दिखाए गए हैं लेकिन इनमें कुछ खास समझ नहीं आता कमांडो थ्री की शुरुआत कुछ खास नहीं होती शुरुआती सीन काफ़ी धीमे और बांधते नहीं हैं बिदु जामॉल की एंट्री फिल्म में अनावश्यक एक्शन लेकर आती है पूछताछ का सीन अच्छा है लेकिन फिर से फिल्म स्लो हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है फिर फिल्म में दिलचस्पी जागती है करणवीर और उनके साथियों द्वारा बराक को ट्रैक करने का तरीका दिलचस्प है जब बराक एक समाचार चैनल पर करणवीर का वीडियो देख रहा होता है और उसे अचानक झटका लगता है कि यह सीन देखने लायक है इनोल के बाद फिल्म में फिर से फिल्म अपनी रफ्तार खो देती है यह एक सीन हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द डार्क नाइट की याद दिलाता है फिल्म के लास्ट के तीस मिनट काफ़ी मनोरंजक और बांधे रखते हैं सिंगल स्क्रीन के दर्शक इसे सुनिश्चित रूप से पसंद करेंगे क्योंकि मेकर्स ने यह हिंदू मुसलमान एकता पर अच्छा मैसेज दिया है कमांडो थ्री पूरी तरह से विद्युत बिद्युजामाल की फिल्म है और इसमें कोई शक नहीं है उनका अभिनय इतना ग्रैंड नहीं है लेकिन वह पूरी फिल्म को अपने कंधे पर खींचने में कामयाब होते हैं और जैसा कि उनके एक्शन अवतार की उम्मीद की जाती है वह इसे यकीन पूरा करते हैं फिनाले में उनका अभिनय सीटी और का हकदार है अदा शर्मा कमांडो टू के अपने अभिनय को दोहराती हैं जो पसंद करने योग्य है उनका हास्य भाग इस बार दूसरे भाग की तुलना में कम है लेकिन भावना रेड्डी के प्रशंसकों को निराशा नहीं होनी चाहिए अंकिरा धार अपने रोल में जचती हैं दोनों ही अभिनेत्री अपने अपने रोल में जचती हैं गुलशन दवैया बिलन के रूप में डरावने लगते हैं वह अपनी आंखों से काफ़ी कुछ कह जाते हैं यह देखने लायक है उनके ब्रिटिश एक्सेंट के लिए स्पेशल उल्लेख होना चाहिए जिसे उन्होंने बाखूब किया है अनिल जॉर्ज यानी मोमिन बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें बार बार एक जैसी भूमिका करते देखना अचंभित करने वाला है उनका किरदार अचानक गायब हो जाता है जो काफ़ी अजीब है है राजेश भरोसेमंद हैं ठाकुर के पास एक अच्छी स्क्रीन उपस्थित राजेशमंद वजायर को एक प्यारा किरदार निभाने वाले मिलता है और वह उनके साथ न्याय करती है अर्थविश्वकर्मा अपनी उपस्थित अपने भाव से महसूस करते हैं और वह सुनिश्चित करते हैं कि वह ओवरबोर्ड न जाएं। बिरन सक्सेना सो जो कि सुभान के पिता हैं और सुभान उमर अमित उस्मान राकेश इंस्पेक्टर तांबे और जैतून की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं फिल्म में संगीत की कोई गुंजाइश नहीं है तेरा बाप पाया को पृष्ठभूम में प्ले किया गया है जो फिल्म में अच्छे से काम करता है मैं और रात हूँ भी बैकग्राउंड बा, भी में प्ले किया जाता है लेकिन उतना ध्यान नहीं खींचता है अखिया मिलवाऊंगा और इरादे का बुलंद फिल्म से गायब है सौरभ भालेराव का बैकग्राउंड स्कोर सुरम्य और प्राण पोषक है मार्क हैमिल्टन की सीनेमाटोग्राफी मनोरम है खासकर एक्शन दृश्यों में एंडी लास्ट स्टंट टीम लिमिटेड एलन अमीन के रवि वर्मा ने एक्शन काफ़ी कट्टर और हिंसक हैं लेकिन विद्युत के एक्शन सीन इसे देखने लायक बनाते हैं जो ही तलमाकी का प्रोडक्शन डिजाइन साफ़ सुथरा है संदीप ग्रूप का संपादन कुछ दृश्यों में और कसा हुआ हो सकता है कुल मिलाकर कमांडो थ्री एक्शन सीक्वेंस सोशल मैसेज और कुछ पैसा वसूल सीन के कारण एक अच्छी एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म है फिल्मी पर्दे पर आतंकवाद जैसे विषय को काफ़ी बनाया जा चुका है इसके बावजूद भी फिल्मकारों की आसक्ति इस विषय पर बनी हुई है आशिक बनाए आपने फेम निर्देशक आदित्य दत्त भी आतंकवाद के कैश करने नहीं चुके यह सच है कि उन्होंने विषय के मुताबिक भिद्दु जामवाल जैसे एक्शन में परम्परागत जैसे चपल हीरो को चुना देशभक्ति का स्ट्रांग ट्रैक रखा और साथ ही हिंदू मुस्लिम बगावत भी मगर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सिवाय रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के कोई भी नयापन फिल्म में नज़र नहीं आता भारत सरकार को जब पता चलता है कि देश पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की साजिश होने जा रही है तो अपने नंबर वन कमांडो करण सिंह डोगरा यानी विद्युत जामॉल को बुलावा भेजते हैं करण सिंह डोगरा भी सिर पर कफन बांधकर तय कर लेता है कि इस किसी भी हाल में इस हमले के पीछे लगे हुए मास्टरमाइंड को नेस्तान भूत करेगा असल में आतंकवाद का सरगना बराक अंसार यानी गुलशन देवैया लंदन में बैठकर वीडियो टेप के जरिए धर्म का सहारा लेकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है इस मिशन पर करण के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानि अदा शर्मा को भी नियुक्त किया गया है इस मिशन में उनके साथ जुड़ते हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस की मल्लिका सूद यानी अंगिराधार और अरमान यानी सुमित ठाकुर मगर बुराक को पकड़ना इतना आसान नहीं है इंडियन इंटेलिजेंस और कमांडोज से सुसज्जित यह टीम अगर साह देने पर आमदा है तो ब्राक अंसारी भी मात देने की तैयारी किए बैठा है आमतौर पर फिल्मकार जब एक्शन के ताम झाम से सजी फिल्म बनाते हैं तो उनके एक्शन का डोज तो तगड़ा होता है मगर कहीं ना कहीं तो वे कहानी को उपेक्षित कर देते हैं निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो की फ्रेंचाइजी होने के नाते यह स्वाभाविक भी है मगर वे कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फिल्म का क्लेवर कुछ और होता कुछ दृश्य अतार्किक लगते हैं मगर फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है एक्शन की कोरियोग्राफी सांसें रोक देती हैं नायक की एंट्री कमाल की है एक्शन के मामले में एक्शन डायरेक्टर एंडी लॉग स्टंट आलन जनी जामीन और रवि वर्मा ने काबिल तारीफ काम किया है एक्शन फिल्म में संगीत को ज़बरदस्ती न ठोस कर उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है कुछ दृश्यों में बी की कमजोरियां झलक जाती हैं क्लाइमैक्स में संदेश देना नहीं भूले हैं विद्युत फिल्म की जान बन पड़े हैं सर्वदित की एक्शन में उनकी तूती बोलती है और उन्होंने अपनी इस खूबी को कहीं भी फीका नहीं पड़ने दिया है उनकी एक्शन में विश्वसनीयता झलकती है उनकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के कारण उनका एक्शन विशिष्ट शैली का बन जाता है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़त यादगार सीन बन पड़ा है संवाद अदायगी भी उनकी सवारी है अदा शर्मा फिल्म में सरप्राइज करती हैं नकली दुल्हन बनकर एंट्री करने वाला सीन मज़ेदार बन पड़ा है हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी लहजा मज़ेदार है अंगीरा धार ने रोल के मुताबिक काम किया है पर्दे पर नायिकाओं को एक्शन करते देखना भला लगा है बुरा अंसारी के रूप में गुलशन क्रूर और कुर्दात लगे हैं विद्युत जामुआल अदा शर्मा अंगीराधर राजेश तैलंग सुमित ठाकुर स्टारर फिल्म कमांडो थ्री उन्नीस उनतीस नवम्बर को पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है आदित्य इससे पहले फिल्म आशिक बनाया आपने और टेबल नंबर ट्वेंटी डायरेक्ट कर चुके हैं देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है बता दें कि यह फिल्म कमांडो का तीसरा भाग है ऐसे में फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं वही गुलशन दवैया कमांडो थ्री में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं कमांडो थ्री की कहानी शुरू सुरु की शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुंडों से लड़ता है यह कमांडो कोई और नहीं बल्कि करड़वीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल है फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच सामंजस्य हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र को एक खूंखार आतंकवादी से बचाने के बारे में है कमांडो करणवीर सिंह डोगरा जो एक आतंकी संगठन के लीडर का पीछा करता है ये आतंकी संगठन का लीडर जो कई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करलवीर सिंह यानी विद्युत जामवाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को चुनती है फिल्म में करणबीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सोदयानी अंगिराधर और अरमान यानी सुमिता ठाकुर से बनाते हैं यहां से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणबीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणवीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने पूरी कोशिश करती है अब उन्हें सफलता मिलती है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक राजनीतिक और वैश्विक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं एक्शन से भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टंट देखने को मिलेगा फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखे हैं एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन भले ही लोगों को कच्चे नज़र आए लेकिन एक्शन मामले में दर्शकों का दिल जीतते नज़र आएंगे वो ने अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को ड्राएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींचते दिखाई देंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आशिक बनाए आपने और सस्पेंट टेबल ट्वेंटी वन जैसी फिल्मों को बनाया है उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है लेकिन आदित्य ने कुछ सीन्स को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है कह सकते हैं कि उन्होंने एक्शन सीन के साथ कमाल करने की कोशिश की है स्क्रीन प्ले आकर्षक है लेकिन इसकी कहानी साधारण है फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफ़ी दिलचस्प नजर आएगा जिसमें बेहद रोमांचक सीन और एक्शन सीन होंगे फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आएगी खास बात है कि इसकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी फिल्म में सीन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार हैं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर मार्क हेलिमटन है ने बेहतरीन काम किया है वही कई दृश्य एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को जोश से भर देगा कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शकों को ज़्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है कमांडो मध्यम बजट में बनाई जाने वाली एक्शन फिल्म की सीरीज है जिसमें विद्युत जामवाल वही करते हैं जो सलमान खान टाइगर शराब में, में करते हैं कमांडो थ्री में विद्युत देश को सलमान की की तरह तरह बचाते हैं और टाइगर की तरह गुंडों की धुनाई करते हैं कमांडो और कमांडो टू को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता मिली थी और इससे उत्साहित होकर इस सीरीज का तीसरा भाग बनाया गया है फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें तीन लड़कों को उनके फर्जी पासपोर्ट के आधार पर एटीएस ने पकड़ा है कड़ी पूछताछ के बाद सिर्फ एक रहस्यमय आदमी के बारे में ही पता चला सका जिसने इन तीनों लड़कों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भर दिया है पुलिस के हाथ अहम सुराग यह लगता है कि भारत पर बड़े हमले की साजिश हो रही है और यह रहस्यमय व्यक्ति लंदन में सारा काम करता है उसे पकड़ने का जिम्मा करड़ सिंह डोगरा यानी विद्युत जामाल को दिया गया है करड़ की मदद करते हैं भारत में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मल्लिका सोद और अरमान अख्तर लंदन जा करड़ को पता चलता है कि भारत पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या हमारा कमांडो मिस्ट्री मैन की पहचान का खुलासा कर पाएगा कैसे वे देश को बचा पाएगा इन सवालों के जवाब इस फिल्म में थ्रिल और एक्शन के साथ दिए गए हैं फिल्म पहले हाफ़ इसलिए अच्छी लगती है कि जो उम्मीद आप इस तरह की फिल्मों से करते हैं वो पूरी तरह से करती है लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म अपनी चमक खो देती है क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा फिल्मी होने से निराश करता है क्या बात को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका लेखक और निर्देशक को नहीं मिला फिल्म में देश प्रेम को दिखाने की कोशिश बार बार की गई है जो कि अखलती है बिना सिचुएशन के यह सब ठीक नहीं लगता और समझ में आता है कि बात थोपी जा रही है आदित्य दत्त ने ज़्यादा दर्शकों को खुश करने के लिए ऐसे सीन भी रखे हैं जो फिल्म के मोड के अनुरूप नहीं हैं मिसाल के तौर पर विद्या जामवाल का एंट्री सीन हीरो का बिलन तक पहुंचने का सफ़र बहुत मजेदार नहीं है हीरो सब कुछ आसानी से कर लेता है इसलिए थ्रिल पैदा नहीं होता और ना ही हरोगिरी नज़र आती है यदि हीरो की राह थोड़ी मुश्किल बनाई जाती तो फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती बिलन फिल्म की कमजोर कड़ी है गुलचंद दवैया एक बेहतरीन अभिनेता है लेकिन यहाँ वह मिसफिट लगे हैं उन्होंने अपने आप को ताकतवर और क्रूध दिखाने की भरकस कोशिश की है और एक्टिंग की लेकिन कामयाब नहीं हो सके भारत पर क्यों हमला करना चाहता है क्यों उसके अंदर नफरती भरी, नफरत भरी है यह बात भी कहानी में बताई नहीं गई है अदा शर्मा को ज्यादा मौका नहीं मिला लेकिन लेकिन वह यह देखने में सफल रही कि वह स्टंट अच्छे से कर लेती हैं ज्यादा गाने नहीं रखकर निर्देशक ने दर्शकों पर उपकार किया है कमियों के बावजूद फिल्म दर्शकों की रुचि बनाए रखती है तो इसका श्रेय कुछ टर्न्स और ट्विस्ट विद्युजामॉल के शानदार स्टंट कुछ बढ़िया पीछा करने वाले दृश्यों को जाता है ज्यादा उम्मीद से नहीं देखी जाए तो फिल्म पसंद आ सकती है कमांडो टू के बाद फिल्म निर्माता बिपुल अमरस, अमरत अमृतलाल शाह कमांडो थ्री लेकर आए हैं फिल्म की कहानी धर्म के नाम पर छिड़े आतंकवाद पर आधारित है कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को खत्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमले का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है फिल्म के लीड के अभिनेता का कहना है कि हम साथ साथ हैं इसलिए खास हैं नब्बे करोड़ हिंदू और बाईस करोड़ मुसलमान हैं इस देश में अगर साथ नहीं होते तो देश खास नहीं होता बचपन में कहानी सुनते थे कि पांच उंगली मिल जाए तो मुट्ठी बनती है और फिर आती है ताकत कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे हम नहीं टूटेंगे यह मेरा विश्वास है मेरा खास भारत क्योंकि हम साथ साथ हैं जय हिंद फिल्म में उनकी ये बातें कमांडो थ्री का हिस्सा हैं फिल्म का थीम भी सभी धर्मों से सामंजस्य स्थापित करता है गुलशन दवैया फिल्म में आतंकी बुराक अंसारी बने हैं जो लंदन में बैठे बैठे वीडियोस के जरिए भारतीय युवाओं का वॉश करता है इस तरह से बुराक अंसारी देश के युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल करने में कामयाबी हर कर लेता है देश के लिए यही युवा खतरा बन जाते हैं और मासूम लोगों पर हमला का साया मर्राता है फिल्म के निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो की फ्रेंचाइजी होने के नाते ऐसा होना लाजमी भी है लेकिन वह हर कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ और ही होता फिल्म के कुछ दृश्यों का कोई लॉजिक ही नहीं लेकिन तकनीकी मजबूत है फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर अदा शर्मा ने कहा कमांडो जो कि भारत में एक्शन फिल्मों की एक बड़ी फ्रेंचाइजी है उसका हिस्सा बनकर मैं काफ़ी रोमांचित हूँ इसमें दिखाए गए एक्शन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जिसे भारतीय दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कमांडो थ्री की अभिनेत्री अदा शर्मा तीसरी बार एक्शन सीक्वेंस में थ्रिल के साथ चुलबुले अंदाज में दिख रही हैं उनका कहना है कि यह एक्शन फ्रेंचाइजी की बड़ी फिल्म है आगामी फिल्म कमांडो थ्री में अदा शर्मा और अंगीरा धर महिलाओं को किस तरह व्यवहार करना चाहिए इस पुराने ऋणवादी विचारधारा को तोड़ रही है कमांडो थ्री में मार्क हैमिल्टन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है वही बैकग्राउंड संगीत एक्शन सीन में भी दर्शकों को, को इम्प्रेस कर देते हैं फिल्म क्लाइमैक्स में एक पॉजिटिव मैसेज देती है जिसे आप पसंद करेंगे फिल्म में थ्रिलर एक्शन के अलावा लोकेशन भी शानदार है एक्शन में माहिर विद्युत अपने काफ़ी सीरियस हावभाव में दिखाई देंगे बजाय किसी रोमांटिक पर्सन के अदय शर्मा अपनी नादानियां करते जरूर नजर आई हैं जिसमें फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है कमांडो थ्री अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए गुलशन ने कहा इस प्रक्रिया में गुजरना मेरे सह कलाकारों के साथ नए रचनात्मक तरीकों की कोशिश करना मजेदार रहा मैंने विद्युत समेत उनमें से कई लोगों के साथ काम किया है गुलशन ने यह भी साझा किया कि निर्देशक आदित्य दत्त ने उन्हें अपने तरीके से भूमिका निभाने की आज़ादी भी दी थी विद्युत जामवाल अभिनीत कमांडो की तीसरी फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे अभिनेता गुलशन दवैया का मानना है कि दर्शकों को हमेशा चौंकाते रहना चाहिए चालीस वर्षीय स्टारर अभिनेता ने कहा कमांडो थ्री जैसी फ्रेंचाइजी से कुछ उम्मीदें हैं चैतान और हेट स्टोरी में नकारात्मक भूमिका निभा चुके गुलशन ने कहा दर्शकों की उम्मीदों के अलावा मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ हालांकि फिल्म में उन्होंने अपना हंड्रेड फीसदी दिया है लेकिन दर्शक उन्हें इससे हटकर देखना चाहते हैं कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को खत्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमला का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है हालांकि इससे पहले आए दो कमांडो और कमांडो तो में भी यही मुद्दे दिखाए जा चुके हैं फिल्म में लीड रोल कर रहे अभिनेता विद्युत जामवाल कमांडो बने हैं इसके अलावा अदा शर्मा इस फिल्म में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी की भूमिका निभा रही हैं विद्युत का कहना है कि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म का संतोषजनक है और मैं ट्रेलर की तरह ही दर्शकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा हूं। पहली फिल्म प्यार के लिए लड़ाई और अगली कड़ी में भारत के काले धन के रैकेट का पर्दाफाश करने की अपनी खोज के बाद तीसरी फिल्म में विद्युत का किरदार राष्ट्र को एक साथ लाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता दिखाई देना फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है अभिनेता विद्युत जामवाल फिल्म कमांडो थ्री के ट्रेलर को मिल रही प्रतिक्रिया से अभी हैं उन्होंने कहा कि वह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म से दर्शकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की उम्मीद कर रहा है फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ था जिसे ट्यूब पर काफी अच्छी प्रक्रियाएं मिली थी विद्युत ने प्रतिक्रिया से खुश हूँ विद्युत ने कहा कि मैं प्रतिक्रिया से खुश हूँ एक फ्रेंचाइजी के रूम में कमांडो मेरे बेहद करीब है दर्शक ने मुझे जो प्यार दिया है वह काफ़ी सुखदायक है फिल्म में मिट्टी के पहलवानों के साथ लड़ना हो या मार्शल आर्ट्स विद्युत जामाल सभी जगह ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन दर्शकों इसमें सिर्फ एक्शन में नयापन देखेंगे की कहानी में कमांडो थ्री की कहानी भले ही कमज़ोर हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफी कमाल की है हीरो भी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म में हर तरह के एक्शन की झलक दिखाई दी गई है आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलते ही केंद्र सरकार सेना के सर्वश्रेष्ठ कमांडो करणवीर सिंह डोगरा यानी बिद्धू जामवाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अजा शर्मा को ले को लंदन जाकर आतंकियों को पकड़ने की जिम्मेदारी देते हैं सेना के दोनों जाबाज लंदन जाते हैं और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक

करने के लिए उनकी तलाश और अब आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित यह तीसरी फिल्म देश को एकजुट कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बारे में, हैं। इस थिलर में है इस थ्रिलर में अदा शर्मा अंगिराधर और गुलशन दवैया भी हैं फिल्म ने प्रोड्यूसर पिपुल अमृत लाल शाह ने कहा नवचार आजकल दर्शकों तक पहुंचाने की कुंजी है हमने फिल्म के पांच मिनट लंबे क्लिप को जारी करने के साहसिक कदम को उठाने का फैसला किया है उन्होंने कहा यह एक जुआ है लेकिन हमें यकीन है कि इस क्लिप को देखने के बाद दर्शक फिल्म को देख देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कमांडो थ्री के निर्माताओं ने फिल्म से विद्युत जामाल अभिनीत फिल्म का एक वीडियो जारी किया था पाँच मिनट के वीडियो को लेकर फिल्म के निर्माता विपुल अमृत शाह अमृत लाल शाह का कहना था कि यह एक साहसिक कदम और एक बड़ा जुआ है निर्माताओं ने बुधवार को फिल्म से विद्युत के पाँच मिनट लंबे प्रचात्मक वीडियो का अनावरण किया था कहानी का धागा काफ़ी महीन है एक आतंकवादी भारत में नाइन स्लेस लेबन की तरह घटना को अंजाम देना चाहता है और एक कमांडो कैसे इस घटना को होने से रोकता है बस यही कहानी के भरोसे पूरी फिल्म का निर्माण किया गया है विद्युत जामाल के एक्शन सीन वाकई देखते बनते हैं आज के सबसे बड़े एक्शन स्टार हैं जिस सहजता से वह बड़े से बड़े स्टंट कर गुजरते हैं ऐसा लगता है कि इस तरह के स्टंट हर रोज़ करने के हुए आदि हैं यानी किरदार में विश्वसनीयता जगा ही देते हैं अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्युत जामाल पूरी फिल्म को अपनी एक्शन के सहारे दर्शनीय बना देते हैं अदा शर्मा का कामिक का अंदाज मजेदार है उनके और अंगिरा के एक्शन थे कुल मिलाकर या कहे तो गलत नहीं होगा आदित्य स्क्रीन पर थोड़ा और काम कर लेते स्पेशल इफेक्ट बहुत ही कमजोर है जब कलाकार अच्छे हों प्रोडक्शन ग्रैंड हो रिलीज बेहतर हो तो ऐसे में कहानी में अगर उतार चढ़ाव होते तो मामला बहुत ही बेहतर होता अगर आप एक्शन फिल्मों के हार्डकोर फैन हैं और विद्युत जामवाल के एक्शन आपको लुभाते हैं तो आपको फिल्म देखनी चाहिए विद्युत के एक्शन वाकई देखने लायक हैं फ़िल्म की सारी कमियां वो अपने एक्शन से ढक लेते हैं साथ ही अंगिरा और अदा के एक्शन भी तड़का लगाने का काम करते हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 से छः साल पहले आर्टिकल 21 पर राजीव खंडेलवाल ने सात फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य दत्त के हिंदी सिनेमा में बोहनी चौदह साल पुरानी है इमरान हाशमी को सुपरस्टार बनाने वाले निर्देशकों में उनकी गिनती भी होती है और गिनती उनकी इस बात के लिए भी होती है कि उन्होंने सनी लियोनी की बायोपिक बनाई आदित्य के पास सिनेमाई समझ का विशाल कैनवास है लेकिन उनके बिजन में दिक्कत वैसी ही है जैसे फिल्म कमांडो थ्री में पहलवानों के लिए सिले गए डिजाइनर लंगोटों में है ओ पर काम करके अपनी असली चमक खो चुके और एक्टिंग के शिकार गुलशन दवैया और दो दो हीरोइन के बावजूद एक भी गाने पर अपने रुमानी एहसास न दिखाने वाले विद्युत जामवाल फिल्म कमांडो थ्री के दो विरोधी सिरे हैं पहला ऐसा आतंकवादी बना है जिसे अपने मासूम बच्चे को लाइव मर्डर दिखाने में सुख मिलता है दूसरा ऐसा देशभक्त बना है जिसके आगे अयोध्या मसले में समझौता फार्मूला निकालने की कोशिश में लग रहे श्री श्री रविशंकर भी फेल हैं। भारत में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेन सेंटर जैसी तबाही मचाने की तैयारी में लगे आतंकवादी बुराक अंसारी को पकड़ने का यह मिशन लंदन की पृष्ठभूमि में है विद्युत जामवाल नई सदी के सनी देवल हैं उनका हाथ ढाई किलो से कहीं ज्यादा वजनी है उनके एक्शन के सेट पैटर्न हैं कार की खिड़की के बीच से निकल जाना या हवा में कला मारकर दुश्मन को चित कर देना ये सब कमांडो की पिछली फिल्मों की तरह ही है लेकिन फिल्म का पैसा वसूल सीन है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़ंत है पूरा एक्शन सीन विद्युत ने खुद किया है और इस सीन से नज़र हटा पाना मुश्किल है विद्युत ने अपने एक्शन को इस फिल्म में काफ़ी निखारा है संवाद अदायगी भी पिछली फिल्मों से बेहतर है उनकी पर्दे पर मौजूदगी कहानी के विस्तार में कमी को भुला देती है कमांडो थ्री की कहानी दूसरे पैराग्राम में आप पढ़ ही चुके हैं और पटकथा भी इस फिल्म की बस उतनी ही है बस हर लाइन के बाद पाँच मिनट का एक्शन सीन जोड़ते जाइए और दो घंटे और तेरह मिनट की फिल्म तैयार आदित्य दत्त ने आशिक बनाए आपने जैसे म्यूजिकल फिल्म से अपना करियर शुरू किया था और एक बिल्कुल नॉन म्यूजिक फिल्म बनाने की इस कोशिश में चौंकाया है हाँ अगर पटकथा थोड़ी चुस्त और किरदारों की थोड़ी सी सही पर तार्किक पृष्ठभूमि बताती चलती तो फिल्म और असरदार हो सकती थी हिंदू मुस्लिम एकता का राग भी अगर पंचम स्वर के बजाय थोड़ा हल्के में गाया जाता तो फिल्म बेहतर बनती फिल्म तकनीकी पक्ष में काफ़ी कमज़ोर है मार्क हैमिल्टन ने फिल्म किस कैमरे पर शूट की है ये तो वही जाने लेकिन जूहू पीवीआर के बड़े पर्दे पर देखते समय फिल्म ख़राब लगती है फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत सतही किस्म के हैं डोगरा का बुरा कंसारी को हेलीकॉप्टर से लेकर निकलना और पानी के जहाज तक पहुंचाने वाला पूरा सीन स्पेशल इफेक्ट से रचा गया है और इस पूरे सीक्वेंस में विजुअल इफेक्ट की सारी कमजोरी जा, जाहिर हो जाती है विद्या जामाल के बाद अगर ये फिल्म किसी कलाकार ने संभाली है तो वह है इसकी हीरोइन अदा शर्मा जैसे बिद्यु जामवाल की फिल्म में एंट्री नकली लंगोट वाले पहलवानों की धुनाई से होती है वैसे ही अदा शर्मा नकली दुल्हन बनकर अपने एंट्री सीन में प्रकट होती हैं और पहले सीन से ही रंग जमा देती हैं हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी अंदाज फिल्म की कॉमिक रहता है काम अंगीरा धर ने भी बढ़िया किया है दोनों हीरोइनों को आदित्य ने कुछ अच्छे एक्शन सीन भी दिए हैं खाली वक्त तो कुछ खास करने को ना हो तो फिल्म कमांडो थ्री देखकर टाइम पास किया जा सकता है विद्युत जामवाल ने मौत को मात देने वाले स्टंट सीन देकर अपनी फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई है और उनकी फिल्में उनके एक्शन को लेकर खास तौर पर जानी जाती हैं कमांडो फ्रेंचाइजी ऐसी ही फिल्म में से एक है और अब इस एक एक्शन थ्रिलर फिल्म को तीसरा पार्ट कमांडो थ्री उस हफ्ते रिलीज हुआ था तो क्या विद्युत जामौल एक बार फिर एक एक्शन हीरो बनकर कमांडो थ्री के साथ दर्शकों का मनोरंजन किए थे या अपने प्रयास में विफल हुए थे आइए जानते हैं कमांडो थ्री एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की कहानी है जो अपने देश को बचाने के लिए समय से लड़ता है मुंबई में दो युवा बच्चों उस्मान और उमर को उनके गुरु सुभान के साथ एक टिप आप के बाद गिरफ्तार किया जाता है गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि उस्मान और उमर का असली नाम क्रमशाह राकेश और अमित था और उनका बराक अंसारी यानी गुलसंद दवैया के उत्तेजक प्रचार वीडियो को देखने के बाद इस्लाम में धर्मांतरण किया बराक इस वीडियो में मुँह कवर किया हुआ है जिससे इसमें इसके होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसी उसे पहचान पाने में नाकाम होती है इसके बाद पता चलता है कि वह भारत में एक बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहा है क्योंकि तैयार का समय आ रहा है क्योंकि त्यौहार का समय आ रहा है वरिष्ठ खुफिया अधिकारी राय यानी राजेश तैलंग अपने सबसे विश्वसनीय और बहादुर अधिकारी करणबीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामाल से इस मामले को संभालने के लिए कहता है करणबीर को पता चलता है कि उस्मान उमर और सुभान के घर में पाए गए वीडियो और करेंसी नोट का सोर्स लंदन से है इसी भी राय को इस बात का एहसास होता है कि सुभान ने नाइन इसलिएस लेबन हमले के हमले के बारे में बार बार बात की और इसका मतलब है कि भारत में हमला नाइन नवंबर या नाइन इसलिएस लेबन को होगा और संयोग से यह दिवाली का दिन है दिवाली में सिर्फ तैंतीस दिन बाकी हैं करणबीर को तुरंत बराक को ट्रैक करने के लिए लंदन भेजा जाता है उसे इस मिशन में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा की मदद मिलती है जो अब भ्रष्ट नहीं हैं लेकिन फिर भी करणबीर से प्यार करती हैं लंदन में उन्हें दो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंटों मल्लिका सोद यानी अंगिराधर और अरमान अख्तर यानी सुमिता ठाकुर द्वारा स्थानीय सहायता प्रदान की जाती है बहुत सारे संदिग्धों से सावधानी पूर्वक पूछताछ करने के बाद आखिरकार ऐसा कोई मिलता है जिसे बराक की पहचान का पता लगाने का मौका मिलता है और पता चलता है कि वह एक रेस्तरा चलाता है इतना ही नहीं उन्हें यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी जाहिरा यानी फिरना वाजिर से उसका तालाक हो चुका है और वह अपने बेटे यानी आर्थो विश्वकर्मा से बेहद प्यार करती है करणबीर उसके बेटे को जाहिरा के साथ अपने खास रख लेता है जो बराक की गतिविधियों से अवगत है और इसलिए गवाह बनने के लिए सहमत है जब बराक को इस बारे में पता चलता है तो वह भारत पर हमला करने का प्लान बन पहले बनाने का फैसला करता है और बाद में आगे क्या होता है यह बाक़ी फिल्म में आगे ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है डेरियस यारमिल और जुनेद वासी की कहानी क्लिंच और साधारण है लेकिन डेरियस यारमिल और जुनेद वासी की पटकथा ऐसी है जिसके चरित्र चित्रण ट्विस्ट और मोड़ आदि के संदर्भ में कुछ नयापन लाते हैं जो फिल्म में रुचि को बनाए रखता है हालांकि बेहतर प्रभाव के लिए इसे शुरू से अंत तक लगाकर मनोरंजक होना चाहिए था डीरे से आर्मिल और जुनेद वासी के डायलॉग खराब हैं इस तरह की फिल्म में वन लाइनर्स होने चाहिए जो आदर्श रूप से एक पंच पैक होना चाहिए अफसोस की बात है कि डायलॉग सख्ती से ठीक हैं और कई जगहों पर काफ़ी खराब हैं आदित्य दत्त का निर्देशन साफ़ सुथरा है और वह इसे इतनी अच्छी तरह से संभालते हैं कि लोग आनंद ले सकें और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात होगी कि जो चल रहा है उसे समझ सकें कुछ दृश्यों को चतुराई से संभाला जा जाता है जिस क्रम में करणबीर और उनके साथी बराक को नीचे देख रहे हैं जबकि समांतर क्रम में बराक करणबीर का शिकार कर रहा है बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है रोमांटिक ट्रैक बामुश्किल नज़र आता है और यह ठीक है क्योंकि यहाँ बिना समय गवाए कहानी पर फोकस किया जाता है ठीक इसके विपरीत शुरुआत के हिस्से दिलचस्प नहीं हैं और यहाँ तक कि सेकंड हाफ में फिल्म को ऊपर उठने में काफ़ी वक्त लगता है फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिन्हें पचा पाना असंभव है अंत तक कुछ सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं बराक के बैक स्टोरी को अंत तक नहीं बताया गया कि आखिर वह इतना खतरनाक आतंकी कैसे बना और हमेशा कैसे खुफिया रडार से बचा यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि बराक ने अपने वीडियो में वास्तव में ऐसा क्या बताया कि युवाओं ने इस हद तक दिमाग लगाया कि कुछ हिंदू इस्लाम की ओर मुड़ गए इसके कुछ स्निपेट दिखाए गए हैं लेकिन इनमें कुछ खास समझ नहीं आता कमांडो थ्री की शुरुआत कुछ खास नहीं होती शुरुआती सीन काफ़ी धीमे और बांधते नहीं हैं विद्युत जमॉल की एंट्री फिल्म में अनावश्यक एक्शन लेकर आती है पूछताछ का सीन अच्छा है लेकिन फिर से फिल्म स्लो हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है जब ड्रामा लंदन शिफ्ट हो जाती है फिर फिल्म में दिलचस्पी जागती है करणबीर और उनके साथियों द्वारा बराक को ट्रैक करने का तरीका दिलचस्प है जब बराक एक समाचार चैनल पर करणबीर का वीडियो देख रहा होता है और उसे अचानक झटका लगता है कि यह सीन देखने लायक है इंडरॉल के बाद फिल्म में फिर से फिल्म अपनी रफ्तार खो देती है यह एक सीन हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द डार्क नाइट की याद दिलाता है फिल्म के लास्ट के तीस मिनट काफ़ी मनोरंजक और बांधे रखते हैं सिंगल स्क्रीन के दर्शक इसे सुनिश्चित रूप से पसंद करेंगे क्योंकि मेकर्स ने यह हिंदू मुसलमान एकता पर अच्छा मैसेज दिया है कमांडो थ्री पूरी तरह से विद्युत जामॉल की फिल्म है और इसमें कोई शक नहीं है उनका अभिनय इतना ग्रैंड नहीं है लेकिन वह पूरी फिल्म को अपने कंधे पर खींचने में कामयाब होते हैं और जैसा कि उनके एक्शन अवतार की उम्मीद की जाती है वह इसे यकीन पूरा करते हैं फिनाले में उनका अभिनय सीटी और ताली का हकदार है अदा शर्मा कमांडो टू के अपने अभिनय को दोहराते हैं जो पसंद करने योग्य है उनका हाथ भाग इस बार दूसरे भाग की तुलना में कम है लेकिन भावना रेड्डी के प्रशंसकों को निराशा नहीं होनी चाहिए धार अपने रोल में जचती हैं दोनों ही अभिनेत्री अपने अपने रोल में जचती हैं गुलशन दवैया बिलन के रूप में डरावने लगते हैं वह अपनी आंखों से काफी कुछ कह जाते हैं यह देखने लायक है उनके ब्रिटिश एक्सेंट के लिए स्पेशल उल्लेख होना चाहिए जिसे उन्होंने बाखु किया है अनिल जॉर्ज यानी मोमिन बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें बार बार एक जैसी भूमिका करते देखना अचंभित करने वाला है उनका किरदार अचानक गायब हो जाता है जो काफी अजीब है राजेश तैलंग भरोसेमंद हैं। सुमित ठाकुर के पास एक अच्छी स्क्रीन उपस्थित है फ्रायद वजायर को एक प्यारा किरदार निभाने वाले मिलता है और वह उनके साथ न्याय करती हैं अर्थ विश्वकर्मा अपनी उपस्थित अपने भाव से महसूस करते हैं और वह सुनिश्चित करते हैं कि वह ओवरबोर्ड न जाएं। बिरन सक्सेना जो कि सुभान के पिता हैं और सुभान उमर अमित उस्मान राकेश इंस्पेक्टर तांबे और जेतुन की भूमिका निभाने वाले कलाकार ठीक हैं फिल्म में संगीत की कोई गुंजाइश नहीं है तेरा बाप आया को पृष्ठभूमि में प्ले किया गया है जो फिल्म में अच्छे से काम करता है मैं और रात हूँ भी बैकग्राउंड बा, भी में प्ले किया जाता है लेकिन उतना ध्यान नहीं खींचता है अखिया मिलवाऊँ का और इरादे का बुलंद फिल्म से गायब है सौरभ भालेराव का बैकग्राउंड स्कोर सुरम्य और प्राण पोषक है मार्क हैमिल्टन की सीनेमाटोग्राफी मनोरम है खासकर एक्शन दृश्यों में एंडी लास्ट स्टंट टीम लिमिटेड एलन अमीन के रवि वर्मा ने एक्शन काफ़ी कट्टर और हिंसक हैं लेकिन विद्युत के एक्शन सीन इसे देखने लायक बनाते हैं जो ही तलमाकी का प्रोडक्शन डिजाइन साफ़ सुथरा है संदीप ग्रूप का संपादन कुछ दृश्यों में और कसा हुआ हो सकता है कुल मिलाकर कमांडो थ्री एक्शन सीक्वेंस सोशल मैसेज और कुछ पैसा वसूल सीन के कारण एक अच्छी एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म है फिल्मी पर्दे पर आतंकवाद जैसे विषय को काफ़ी बनाया जा चुका है इसके बावजूद भी फिल्मकारों की आसक्ति इस विषय पर बनी हुई है आशिक बनाए आपने फेम निर्देशक आदित्य दत्त भी आतंकवाद के कैश करने नहीं चुके यह सच है कि उन्होंने विषय के मुताबिक भिद्दु जामवाल जैसे एक्शन में परंपरागत जैसे चपल हीरो को चुना देशभक्ति का स्ट्रांग ट्रैक रखा और साथ ही हिंदू मुस्लिम बगावत भी मगर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है सिवाय रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन के कोई भी नयापन फिल्म में नजर नहीं आता भारत सरकार को जब पता चलता है कि देश पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की साजिश होने जा रही है तो अपने नंबर वन कमांडो करण सिंह डोगरा यानी विद्युत जामौल को बुलावा भेजते हैं करण सिंह डोगरा भी सिर पर कफन बांधकर तय कर लेता है कि इस किसी भी हाल में इस हमले के पीछे लगे हुए मास्टरमाइंड को निस्तान भूत करेगा असल में आतंकवाद का सरगना बराक अंसार यानी गुलशन देवैया लंदन में बैठकर वीडियो टेप के जरिए धर्म का सहारा लेकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है इस मिशन पर करण के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को भी नियुक्त किया गया है इस मिशन में उनके साथ जुड़ते हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका सूद यानी अंगिराधार और अरमान यानी सुमित ठाकुर मगर बुराक को पकड़ना इतना आसान नहीं है इंडियन इंटेलिजेंस और कमांडोज से सुसज्जित यह टीम अगर सह देने पर आमदा है तो ब्राक अंसारी भी मात देने की तैयारी किए बैठा है आमतौर पर फिल्मकार जब एक्शन के ताम झाम से सजी फिल्म बनाते हैं तो उनके एक्शन का डोज तो तगड़ा होता है मगर कहीं ना कहीं तो वे कहानी को उपेक्षित कर देते हैं निर्देशक आदित्य दत्त ने भी पूरा जोर स्टंट और एक्शन पर लगाया है कमांडो की फ्रेंचाइजी होने के नाते यह स्वाभाविक भी है मगर वे कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ी मेहनत करते तो फिल्म का क्लेवर कुछ और होता कुछ दृश्य अतार्किक लगते हैं मगर फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है एक्शन की कोरियोग्राफी सांसे रोक देती हैं नायक की एंट्री कमाल की है एक्शन के मामले में एक्शन डायरेक्टर एंडी लॉग स्टंट आलन जनी जामीन और रवि वर्मा ने काबिल तारीफ काम किया है एक्शन फिल्म में संगीत को ज़बरदस्ती न ठोस कर उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है कुछ दृश्यों में बी की कमजोरियां झलक जाती हैं क्लाइमैक्स में संदेश देना नहीं भूले हैं विद्युत फिल्म की जान बन पड़े हैं सर्वदित की एक्शन में उनकी तूती बोलती है और उन्होंने अपनी इस खूबी को कहीं भी फीका नहीं पड़ने दिया है उनके एक्शन में विश्वसनीयता झलकती है उनकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के कारण उनका एक्शन विशिष्ट शैली का बन जाता है उनकी दो चाकूबाजों से भिड़त यादगार सीन बन पड़ा है संवाद अदायगी भी उनकी सवारी है अदा शर्मा फिल्म में सरप्राइज करते हैं नकली दुल्हन बनकर एंट्री करने वाला सीन मज़ेदार बन पड़ा है हिंदी बोलने का उनका हैदराबादी लहजा मज़ेदार है अंगीरा धार ने रोल के मुताबिक काम किया है पर्दे पर नायिकाओं को एक्शन करते देखना भला लगा है बुराक अंसारी के रूम में गुलशन क्रूर और कुर्दात लगे हैं विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधर राजेश तैलंग सुमित ठाकुर स्टारर फिल्म कमांडो थ्री उन्नीस उनतीस नवंबर को पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है आदित्य इससे पहले फिल्म आशिक बनाया आपने और टेबल नंबर ट्वेंटी वन डायरेक्ट कर चुके हैं देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम से लेकर आतंकवाद से निपटने तक की कहानी को दिखाया गया है बता दें कि यह फिल्म कमांडो का तीसरा भाग है ऐसे में फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अदा शर्मा भी जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आ रही हैं वही गुलशन दवैया कमांडो थ्री में विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं कमांडो थ्री की कहानी शुरू की शुरुआत होती है एक कमांडो के एंट्री से जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुंडों से लड़ता है यह कमांडो कोई और नहीं बल्कि करड़वीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल है फिल्म की कहानी अलग अलग धर्मों के बीच सामंजस्य हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र को एक खूंखार आतंकवादी से बचाने के बारे में है कमांडो करड़वीर सिंह डोगरा जो एक आतंकी संगठन के लीडर का पीछा करता है ये आतंकी संगठन का लीडर जो कई गुमराह युवाओं को अपने जाल में फंसाता है ताकि वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें इसके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ कमांडो करलवीर सिंह यानी विद्युत जामाल और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा को चुनती है फिल्म में करणबीर सिंह डोगरा और भावना रेड्डी अपना संपर्क ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मल्लिका अंगिरा अंगिराधर और अरमान यानी सुमिता ठाकुर से बनाते हैं यहां से शुरू होता है आतंकी को पकड़ने का खेल आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को बुराक को पकड़ने के लिए करणबीर सिंह डोगरा और उनकी टीम प्लान बनाती है लेकिन बुराक की नज़र उनके हर एक कदम पर होती है ऐसे में बुराक दिवाली के मौके पर सबसे बड़े हमले के लिए प्लान बनाता है जिससे करणबीर सिंह डोगरा की टीम नाकाम करने पूरी कोशिश करती है अब उन्हें सफलता मिलती है या नहीं यही इस फिल्म में ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ दिखाया गया है जिसमें सामाजिक राजनीतिक और वैश्विक स्तर कई जरूरी बातें की जा रही हैं एक्शन से भरपूर इस फिल्म में कदम कदम पर स्टंट देखने को मिलेगा फिल्म में हर एक मुद्दे को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है एक्शन फिल्म होने की वजह से विद्युत अपने किरदार में एकदम फिट दिखे हैं एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन भले ही लोगों को कच्चे नज़र आए लेकिन एक्शन मामले में दर्शकों का दिल जीतते नजर आएंगे वही भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है बात करें बिलेन यानी बुराक के रोल में गुलशन दवैया की तो वे पर्दे पर बेहद खतरनाक और दमदार नजर आए हैं वो अपने हाव भाव से न सिर्फ लोगों को डराएंगे बल्कि उनका ध्यान भी आसानी से अपनी तरफ खींचते दिखाई देंगे डायरेक्टर आदित्य दत्त जिन्होंने रोमांटिक आशिक बनाया आपने और सस्पेंस थ्रिलर टेबल ट्वेंटी जैसी फिल्मों को बनाया है उन्होंने फिल्म में हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है हालांकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है लेकिन आदित्य ने कुछ सीन्स को पर्दे पर शानदार तरीके से दिखाया है कह सकते हैं कि उन्होंने एक्शन सीन के साथ कमाल करने की कोशिश की है स्क्रीन प्ले आकर्षक है लेकिन इसकी कहानी साधारण है फिल्म का फर्स्ट हाफ लोगों को काफ़ी दिलचस्प नज़र आएगा जिसमें बेहद रोमांचक सीन और एक्शन सीन होंगे फिल्म में म्यूजिक लोगों को पसंद आएगी खास बात है कि इसकी कोरियोग्राफी दर्शकों को आकर्षित करेगी फिल्म में सीन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार हैं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर मार्क हेलिमटन है ने बेहतरीन काम किया है वही कई दृश्य एक्शन सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को जोश से भर देगा कहानी कमजोर होने की वजह से दर्शकों को ज्यादा देर तक सिनेमा हॉल में रोकने में कामयाब साबित नहीं होती है कमांडो मध्यम बजट में बनाई जाने वाली एक्शन फिल्म की सीरीज है जिसमें विद्युत जामवाल वही करते हैं जो सलमान खान टाइगर सीरीज में और टाइगर शराफ बागी सीरीज में करते हैं कमांडो थ्री में विद्युत देश को सलमान की तरह बचाते हैं और टाइगर की तरह गुंडों की धुनाई करते हैं कमांडो और कमांडो टू को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता मिली थी और इससे से उत्साहित होकर इस सीरीज का तीसरा भाग बनाया गया है फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें तीन लड़कों को उनके फर्जी पासपोर्ट के आधार पर ए ने पकड़ा है कड़ी पूछताछ के बाद सिर्फ एक रहसमी आदमी के बारे में ही पता चला सका जिसने इन तीनों लड़कों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भर दिया है पुलिस के हाथ अहम सुराग ये लगता है कि भारत पर बड़े हमले की साजिश हो रही है और यह रहस्यमय व्यक्ति लंदन में सारा काम करता है उसे पकड़ने का जिम्मा करल सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल को दिया गया है करड़ की मदद करते हैं भारत में भावना रेड्डी यानी अदा शर्मा और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मलिका सूद और अरमान अख्तर लंदन जाकर करड़ को पता चलता है कि भारत पर हमले का काउंट शुरू हो गया है क्या हमारा कमांडो मिस्ट्री मैन की पहचान का खुलासा कर पाएगा कैसे वे देश को बचा पाएगा इन सवालों के जवाब इस फिल्म में थ्रिल और एक्शन के साथ दिए गए हैं फिल्म पहले हाफ़ इसलिए अच्छी लगती है कि जो उम्मीद आप इस तरह की फिल्मों से करते हैं वो पूरी तरह से करती है लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म अपनी चमक खो देती है क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा फिल्मी होने से निराश करता है क्या बात को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका लेखक और निर्देशक को नहीं मिला फिल्म में देश प्रेम को दिखाने की कोशिश बार बार की गई है जो कि अखलती है बिना सिचुएशन के यह सब ठीक नहीं लगता और समझ में आता है कि बात थोपी जा रही है आदित्य दत्त ने ज़्यादा दर्शकों को खुश करने के लिए ऐसे सीन भी रखे हैं जो फिल्म के मोड के अनुरूप नहीं हैं। मिसाल के तौर पर विद्या जामॉल का एंट्री सीन हीरो का बिलन तक पहुंचने का सफ़र बहुत मजेदार नहीं है हीरो सब कुछ आसानी से कर लेता है इसलिए थ्रिल पैदा नहीं होता और ना ही हरोगिरी नजर आती है यदि हीरो की राह थोड़ी मुश्किल बनाई जाती तो फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती बिलन फिल्म की कमजोर कड़ी है गुलशन दवैया एक बेहतरीन अभिनेता है लेकिन यहाँ वह मिसफिट लगे हैं उन्होंने अपने आप को ताकतवर और क्रूर दिखाने की भरकस कोशिश की है और एक्टिंग की लेकिन कामयाब नहीं हो सके बिलन भारत पर क्यों हमला करना चाहता है क्यों उसके अंदर नफरती भरी नफरत भरी है यह बात भी कहानी में बताई नहीं गई है अदा शर्मा को ज्यादा मौका नहीं मिला लेकिन लेकिन वह यह देखने में सफल रही कि वह स्टंट अच्छे से कर लेती हैं ज्यादा गाने नहीं रखकर निर्देशक ने दर्शकों पर उपकार किया है कमियों के बावजूद फिल्म दर्शकों की रुचि बनाए रखती है तो इसका श्रेय कुछ टर्न्स और ट्विस्ट विद्युत बिदुजामॉल के शानदार स्टंट कुछ बढ़िया पीछा करने वाले दृश्यों को जाता है ज्यादा उम्मीद से नहीं देखी जाए तो फिल्म पसंद आ सकती है कमांडो टू के बाद फिल्म निर्माता बिपुल अमृत अमृतलाल शाह कमांडो थ्री लेकर आए हैं फिल्म की कहानी धर्म के नाम पर छिड़े आतंकवाद पर आधारित है कहानी में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फर्जी पासपोर्ट देश को खत्म करने की धमकी धर्म परिवर्तन देश पर हमले का खतरा दूर दराज इलाकों में छिपे आतंकवादी और देशभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया गया है फिल्म के लीड के अभिनेता का कहना है कि हम साथ साथ हैं इसलिए खास हैं नब्बे करोड़ हिंदू और बाईस करोड़ मुसलमान हैं इस देश में अगर साथ नहीं होते तो देश खास नहीं होता बचपन में कहानी सुनते थे कि पांच उंगली मिल जाए तो मुट्ठी बनती है और फिर आती है ताकत कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे हम नहीं टूटेंगे यह मेरा विश्वास है मेरा खास भारत क्योंकि हम साथ साथ हैं जय हिंद फिल्म में उनकी ये बातें कमांडो थ्री का हिस्सा हैं फिल्म का थीम भी सभी धर्मों से सामंजस्य स्थापित करता है गुलशन दवैया फिल्म में आतंकी बुराक अंसारी बने हैं जो लंदन में बैठे बैठे वीडियोस के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेनवाश करता है इस तरह से बुराक अंसारी देश के युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल करने में कामयाबी हर कर लेता है देश के लिए यही युवा ख़तरा बन जाते हैं और मासूम लोगों पर हमला का साया मर है फिल्म के निर्देशक आदित्य